देखिए, यहाँ पर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण का जो सवाल आपके आएंगे, लेखपाल के जो न्यू सिलेबस आया है उसमें आपका दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण के प्रश्नों को कैसे लगाना है। देखिए, आपके स्क्रीन पे पहला सवाल दिख रहा होगा, ये UP SSSC लोअर मेन्स 2019 के पेपर सेकेंड में पूछा गया था। लिखा हुआ है x² - 7x + 12 के शून्यक। देखिए, शून्यक होता क्या है, जैसे एक्स के दो मान इसमें निकलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है उसमें देखिए x² - 7x + 12 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे इसकी जो आपकी डिग्री होगी, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, दो है ना। जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही मान आपके क्या होते हैं, संभव होते हैं। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात। वैसे क्वाड का मतलब चार होता है, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक का मतलब आपको समझना है द्विघात, जिसमें दो घातें होती हैं। दो घातें जिनमें होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का आपका जो रियल का जो फार्मूला होता है, लिखने का तरीका होता है, ये आपका होता है AX² + BX + C = 0। अब जो ABC है, ये आपके मान कुछ भी हो सकते हैं, नंबर में हो सकते हैं, लेकिन अगर इस पैटर्न में कोई भी समीकरण आपको दिखेगा तो वो आपका कौन सा होता है, द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बना हुआ है, साफ साफ पूछा गया है, इसके शून्यक बताइए। पवन भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। शून्यक का मतलब यही होता है कि जैसे हमने ये लिखा हुआ है, -7x + 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x और y, x के दो मान इसमें पॉसिबल होंगे। जब यहाँ पर डिग्री दो होगी तो उसके दो ही मान आपके निकलेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं x² और यहाँ पर देखिए हम ऐसी संख्या सोचेंगे कि यहाँ पर 12 आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने पर आना चाहिए 7। तो हम इस तरीके से इसको ऐसे लिख लेंगे। देखिए -7x को हमने इस तरीके से लिख लिया, -4x - 3x, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस के दो दोनों दोनों नंबर हैं ऐड हो जाएंगे, माइनस का 7 आएगा और आगे लिख देंगे +12। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो दो दो का इस तरीके से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, x -4 आएगा, यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे, x -4 आएगा। अब दोनों साइड हमारा क्या है, x -4 रहेगा, तो फिर से हमारा आ जाएगा ये x -4 और x -4 और x -3, ये आपका आएगा। अब इसी को बराबर के 0 लिख लेंगे, कि शून्य है, इसके बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा और x बराबर 3, यानी 4 और 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना था, देखिए इस प्रश्न को आपको इस तरीके से लगाना था। पायल भी हमारे बीच जुड़ चुकी है, चलिए पहले नंबर का डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। देखिए UP SSSC लोअर मेंस 2019 में प्रश्न पूछा गया था, यदि द्विघात बहुपद x² + x - k का एक शून्यक 2 है तो k का मान, देखिए एक इसका मान दे रखा, हमने क्या बताया, ये द्विघात समीकरण है, इसमें आपके दो मान होंगे, एक मान तो इन्होंने दे रखा है और दूसरा मान आपसे पूछा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक शून्यक 2 है, यानी x बराबर आपका क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 2 दिया गया है, x की वैल्यू क्या दी गई है, 2। द्विघात समीकरण में हमेशा x के दो मान निकलते हैं, एक मान इन्होंने दे रखा है कि 2 है, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, हमको x बराबर 2 तो पता ही है, x बराबर 2 हमको पता है, इसी समीकरण में रख लीजिए। तो x बराबर 2 रखेंगे, इसी समीकरण में रख लो, x² + x - k = 0। जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 - k = 0, बराबर 0 हमेशा लिखिएगा तभी आपका मान निकलेगा। चलो यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे तो 6 - k = 0, तो k बराबर कितना आपका आ जाएगा, 6। तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 6, यानी विकल्प नंबर ए होगा, विकल्प नंबर ए होगा, ठीक है। बस सवाल के देखिए मेन होती है भाषा समझना, सवाल अगर आप समझ गए तो फिर आपका गलत नहीं होगा। द्विघात बहुपद है तो उसके हमेशा द्विघात में हमेशा दो मान निकलेंगे, यहाँ अगर 3 पावर लगा देते तो फिर उसके x के 3 मान आपके होते हैं। चलो बिल्कुल सही है, राहुल कुमार बिल्कुल राइट आंसर है, पायल बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलो यहाँ पर बताइए, देखिए ये सब आपके UP SSSC के ही क्वेश्चंस करा रहे हैं, UP SSSC देखिए सब, तो हम वही सिलेबस में करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में है। यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद है, आज सारे के सारे प्रश्न आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे, द्विघात समीकरण के। इस तरीके से लिखा हुआ है, शून्य समझते हैं ना, अल्फा बीटा, ठीक है, दिया गया है दो ही मान होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं शून्य। तो यहाँ पर अल्फा बीटा है और उनके गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा। अच्छा ये बताइए, उनके दो मान सकते हैं मूल है, मूल कहिए या शून्य कहिए, इनको नंबर ऑफ जीरोज भी कहते हैं, और इंग्लिश में आप पढ़े होंगे इंग्लिश मीडियम में तो नंबर ऑफ जीरोज कहते हैं, और हिंदी में पढ़े होंगे तो मूलों कहते हैं, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अल्फा बीटा अगर मान लेते हैं इसके दो अगर जीरोज है, 2 जीरोज हैं, इन्हीं को शून्य लिखा हुआ है, तो इसमें आपने पढ़ा होगा मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपान ए होता है, ये मूलों का योगफल होता है।
अब मूलों का जो गुणनफल होता है सी अपान ए होता है, ये आपने दो फार्मूले आपको द्विघात समीकरण में याद होना चाहिए। ये आपका मूलों का योगफल होता है, ये क्या है, मूलों का योगफल है, मूलों का योगफल है, और ये होता है मूलों का गुणनफल जो हमने इधर के लिखा है, ये आपका गुणनफल है। ये दोनों फार्मूले आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मेट ऑप्शन में आपका सही है, क्योंकि दो मूल हैं, तो यहाँ पर माइनस का सी अपान ए तो होता नहीं, गलत हो जाएगा, बी अपान ए होता नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, यही पर आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देख रहे हैं बिना लगाए आप सवाल समझ गए तो आप तुरंत लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर इसका थ्री का सी होगा, अल्फा प्लस बीटा सी अपान ए नहीं होता है ना, माइनस का सी अपान सी अल्फा इंटू होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर इंटू लगा होता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर डी नंबर तब सही होता जब यहाँ अल्फा इंटू बीटा ऐसे लिखा होता है ना, ये मूलों गुणनफल होता तब सही होता, लेकिन यहाँ तो प्लस कर दिया, प्लस वाले में हमेशा माइनस का बी अपान ए ही सही होता है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं सारे के सारे प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी के ही है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। चलो यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। देखिए आप लोग आंसर दे रहे हैं इससे तैयारी भी पता चलती है, और तैयारी जब आपकी अच्छी होगी तभी आप आंसर दे पाएंगे, और इस तरीके से आप लगा लेंगे तो आप गारंटी दे रहे हैं, हमारे कम से कम 50 वीडियो अब तक हो चुके हैं लेखपाल के मैथ के, आप 50 वीडियो लगा लीजिए, पेपर दे दीजिएगा, उसके बाद हमारी बात को याद रखिएगा। वीडियो देने पेपर देने के बाद देखिए कितने प्रश्न सब यही आएंगे, कोई बाहर का नहीं आना है, बस इन्हीं को आप पढ़ लीजिए अच्छे से, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। चलिए चार नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो भिन्न जो है वास्तविक मूल हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जो लोग नए आए हुए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ लोग नए भी आए हुए हैं, जैसे पायल ने शायद पहली क्लास अटेंड किया हमारी आज। चलिए निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। चलो वास्तविक मूल देखो पूछा गया है ना, वास्तविक मूल पूछा गया है, तो देखो वास्तविक मूल के लिए इसकी आपकी कंडीशन आपको बताने वाले हैं कि वास्तविक मूल, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चार देखिए, दो भिन्न वास्तविक मूल की कंडीशन क्या होती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी कंडीशन क्या होती है। देखो आपने एक विविक्तर नाम सुना होगा डी बराबर, ये आपने पढ़ा होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण में, ये भी देखो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसके कुछ रूल एंड कंडीशन है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है ना, अगर इसका मान अगर जीरो से बड़ा आता है, इसका ये मतलब बड़ा होता है, इधर वाला जो साइन होता है बड़ा बताता है, ठीक है पायल, नहीं सर आप लाइन देखते थे, अच्छा अच्छा चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसका जो मान होगा ये बड़ा होता है, जीरो से क्या होगा बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से इसका मान बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है दो भिन्न वास्तविक मूल की कंडीशन होती है, ठीक है। जब दो भिन्न वास्तविक मूल कहेगा तो आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए, और भी कंडीशन है, जीरो से अगर कम होता है तो काल्पनिक होता है ना, जीरो से कम होता है तो काल्पनिक होता है, ये सारी कंडीशन तीन प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू देखिए, यहाँ पर तो आपको सारे इक्वेशन पे आपको ध्यान देना होगा है ना, कि कौन सा है, किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल है। चलो इसमें सारे ऑप्शन आपको ट्राई करने पड़ेंगे, सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। चलो पहला ही ऑप्शन को चेक करते हैं, बी स्क्वायर, यहाँ बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है, तो 1 लिखेंगे, माइनस का 4, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है कुछ है नहीं, तो एक तो माने लेंगे, और सी की दी है माइनस 5, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 और 5 को 20, यानी आप देख रहे हैं 21 आ गया, यानी पहले ही विकल्प पे में आ गया, और हमने बोला था इसका मान जीरो से ज्यादा होना चाहिए, जीरो से ज्यादा होने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर चार का है। अब देखो इसको लगा के देखोगे तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है 6 है, बी की वैल्यू देखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है 4 है, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 है, ठीक है। यहाँ पर देखो लगा के देख लो, बी स्क्वायर यानी 4 × 16 आएगा, माइनस का 4, ए की वैल्यू 6 है, सी मतलब कितना आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस 4 तो हमने लगा ही दिया है, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 6, यहाँ पर माइनस रखेंगे 5, तो ठीक है ना, 6 × 5 = 30, और 30 यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दोनों भिन्न वास्तविक मूल हैं, दोनों मूल क्या है वास्तविक है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर बी की वैल्यू है ना, देखो ये वाले में भी आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मिस प्रिंट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है, यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर आपका होगा प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 1 कर लीजिए, नहीं फिर आंसर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन गलत है, इसको करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर प्लस का 1 होगा। अब आप सॉल्व करिए, 6x²
माइनस का 4x होगा यहाँ पे, माइनस का 4x। ये क्वेश्चन गलत है लेकिन हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं कैसे आपको लगाना है, ठीक है। ये आपको ये क्वेश्चन गलत है, अभी हम इसके बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसका 6x² - 4x + 1 है, इस केस में रखेंगे तो 20² कितना आएगा, 16 माइनस का 4, माइनस का रखेंगे 4 × यहाँ पर माइनस तो है ही, माइनस यहाँ तो माइनस एक और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 4 × 16 और यहाँ पर ए आएगा तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा, माइनस का 24 और 16 यानी माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा। बाकी और विकल्पों में चेक कर लेंगे, नहीं आएगा। इस विकल्प को सही कर लीजिए नहीं तो आंसर नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे ए वाला भी सही है बी वाला भी सही है। इस क्वेश्चन को देखिए करेक्ट कर लीजिए, 6x² - 4x + 1 है, गलत मिसप्रिंट है, ठीक है। अच्छा सी वाला, चलो सी वाला दिखा दे रहा है, देखो सी वाला दिखा दे रहा है, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 26 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 96 है। बी स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर करेंगे, 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आपका आएगा, यही तो है आपका है ना, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका। या आप ऐसा करो इसमें पहले 2 से भाग कर लो, 2 से सभी में भाग कर लो और समीकरण छोटा हो जाएगा, यानी x² - 13x अब प्लस का आ जाएगा कितना, 2 × 4 = 2 × 8 = 16, ये आपका आ जाएगा। इसी को हमने और थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 13 होगी, और सी की वैल्यू कितनी होगी, 48 होगी, ये आप समझ गए। अब माइनस यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला यही वाला, b² - 4ac, ये लगाएंगे आपका, तो बी स्क्वायर 13 के स्क्वायर कितना होता है, 169 है ना, ये तो हो गया माइनस का 4 × a, ए की वैल्यू 1 है इंटू सी की वैल्यू 48 है। अब आप खुद समझिए ये नंबर माइनस में आएगा ये प्लस में, घटाएंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा है ना, आंसर माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा, चलो माइनस में आएगा। तो इस तरीके से आपको गुणा नहीं करना, बस यहीं से आप चेक कर लेंगे, यहीं से आप चेक कर लेंगे और आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे, 4 × 4 = 4, 8 = 32, 192 आएगा, 192 में 169 घटाएंगे, माइनस का 23 आएगा, माइनस के 23 आया ना, तो यहाँ पर दो भिन्न असमान वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये कंडीशन होती है कि इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये वाला विकल्प आपका गलत है, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, अभी हमने बताया था यहाँ पर माइनस होगा प्लस का 1 होगा, ठीक है ना, ये गलत था इसीलिए आपके दोनों ऑप्शन हो रहे थे। चलो समझ गए होंगे, अगला सवाल देखिए, ये सवाल अच्छा है। यदि ax² + bx + c, चलिए चलिए सी और डी सब गलत होंगे, बी वाला भी सही हो रहा था, बी वाला गलत छपा था, ठीक है। यदि ax² + bx + c = 0 का मूल अल्फा और बीटा है, तो द्विघात समीकरण में से पूछा गया है जिसका एक मूल 1/α है और 1/β है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा। देखो सबसे पहले देखो यहां पर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस तरीके से आपके मूल दिए होते हैं, ठीक है ना, मूल समझते हैं ना, अल्फा बीटा दो ही मूल होते हैं, पहला मूल आपका ये है, दूसरा वाला मूल ये है। अब इसमें द्विघात समीकरण अगर आपको बनाना है तो देखो कई बार क्या होता है, प्रश्न में एक क्वाड्रेटिक टाइप के इक्वेशन दे देगा, उसके अलग अलग मूल दे देगा, ठीक है। अब मूलों मूलों से समीकरण कैसे बनता है द्विघात का, याद रखिएगा, x² - α + β, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स से प्लस का होता है α × β = 0। ये आपका एक समीकरण बनाने का तरीका है, जब आपके दो मूल दिया हो तो समीकरण इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है। अब जैसे मान लो पहला मूल अगर हम क्वेश्चन में दे देते हैं कि 4 है, मान लेते हैं एग्जाम्पल में ये 4 दे देते हैं और ये दे देते 5 है, 4 और 5 दे देते तो आप क्या करते, यहां पर जो अल्फा वाला है, ठीक है ना, अल्फा अल्फा प्लस बीटा हम दोनों को जोड़ देते तो 4 5 कितना होता, 9x हो जाता, तो x² - 9x अब प्लस का हो जाता 4 × 5 = 20, तो सिंपल हमारा लग जाता। लेकिन प्रश्न में इन्होंने क्या किया, नंबर न देके इसके मूल बटे में दे दिया है, हालांकि बटे में दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका लग जाएगा। देखो x² लिखेंगे है ना, नंबर दिया थोड़ा सा हमारे लिए हल्का सा टफ हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अल्फा मतलब पहला, ये अल्फा की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू है और इसको मान लेते हैं बीटा की वैल्यू है ना, ये फ्रैक्शन में दे रखा है इसलिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन लग रहा होगा, बाकी अगर नंबर दे देता 4 5 इस तरीके से तो जल्दी आपका लग जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा की जगह रखेंगे 1/α रखेंगे ना, क्योंकि अल्फा हमारा एक मूल 1/α हो जाएगा, बीटा की जगह दूसरा वाला मूल हमारा क्या है 1/β है, ऐसे रखेंगे × x रखेंगे प्लस, फिर α × β है तो अल्फा का वैल्यू 1/α है, बटे में दे रखा है ना, इसलिए बटे वाले सवालों में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, अब बराबर 0 कर लेंगे है ना, बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो x² - यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम समझते हैं ना, अल्फा बीटा तो नीचे आएगा ही, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे आएगा अल्फा × बीटा, ठीक है ना, और एक्स तो रहेगा ही यहाँ पे, एक्स तो रहेगा ही,
और आगे आ जाएगा प्लस का वन अपान अल्फा बीटा, वन अपान अल्फा बीटा, अब बराबर में कितना रहेगा, जीरो, ठीक है ना, बराबर में कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ये आपका आ जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बस। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे, देखो यहां पर अगर हम अलग अलग इसको अगर भाग कर लेते हैं, ठीक है, या अलग अलग इसको अगर हम भाग कर लेते हैं तो आपका आसान हो जाएगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और वन अपान कितना है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, दो मूल दिए गए हैं। तो यहाँ पर अच्छा हम आपसे कहें कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ही होगा, है ना। देखो ऐसे समझिए, यहाँ पर अगर हम कहेंगे दोनों मूल अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस का बी अपान ही आएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी अपान ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा में रखेंगे माइनस का बी अपान ही, और अल्फा इंटू बीटा तो सी अपान ही होगा ही, क्योंकि दो मूल अगर अल्फा बीटा है तो ये तो द्विघात समीकरण में कंडीशन आप जानते ही हैं, माइनस बी अपान ही। तो जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां रखेंगे माइनस का बी अपान ही, और जहां वन अपान अल्फा बीटा है ना तो सी अपान ही रखेंगे, तो ए अपान सी हो जाएगा, ठीक है ना, ए अपान सी हो जाएगा। अब देखिए यहां तक आप समझ गए होंगे, स्क्रीन में जगह नहीं है, इसको हम रब करके दोबारा से लिख रहे हैं, ठीक है, दोबारा हमें फिर से लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सवाल आपका हो नहीं पाएगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, इसको हम रब कर दे रहे हैं। देखो यहां तक आपका आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा आपका आया था, और अल्फा बीटा आया था यहाँ एक्स आया था प्लस, और यहाँ पर कितना था, वन अल्फा बीटा जीरो, ये था। तो अल्फा प्लस बीटा भी हमने बताया था माइनस का बी अपान ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए होता है। यहाँ पर रख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा रखेंगे तो माइनस का बी अपान ए, अब वन अपान अल्फा बीटा है ना वन, तो इसके वन के नीचे आएगा तो ये आपका हो जाएगा ए अपान सी, ए अपान सी हो जाएगा। अब प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, वन अपान अल्फा बीटा है तो ए अपान सी, तो सी अपान ए होता है ना, लेकिन वन के नीचे लिखा है तो उल्टा हो जाएगा बराबर जीरो, ए से एक कट गया, ठीक है ना, ए से आपका कट जाएगा, यहाँ एक से भी रहेगा आपका, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, फिर दोनों जगह सी सी भी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स, एक्स स्क्वायर, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, अब प्लस का ए कहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स ए कहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर सी सी होगा ना, सी एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, यानी विकल्प नंबर ये वाला हो जाएगा। हाँ, ये फार्मूले बेस्ड सवाल है, देखो फार्मूले बेस्ड सवाल है, इस पे आप रख लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये अल्फा बीटा पहले काट लेंगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, आपका विकल्प नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए सिक्स, अच्छा सवाल है, फार्मूले बेस्ड है, उसको आप बाद में वैल्यू रखेंगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात समीकरण देखिए आपको सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो यहाँ पर देखिए आपको पी का मान पूछा गया क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। चलो देखिए कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ दिए गए द्विघात समीकरण के वर्गमूल बराबर है, देखिए द्विघात समीकरण के वर्गमूल बराबर है तो पी का मान कितना होगा, तो ये आपका लिखा क्या है, ये तो आपका समीकरण दिया गया है। अब अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर बताइए ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे पी माइनस थ्री है, ए की वैल्यू होती क्या, एक्स का एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, छः है, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, नौ है, ये तो आप लिख लेंगे, ए बी सी की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। और जब मूल समान होते हैं, जब मूल क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना, दिए गए द्विघात समीकरण के वर्ग मूल, वर्ग मूल यानी मूल क्या बराबर है, जब मूल बराबर होते हैं, ठीक है, जब मूल समान होते हैं तो इसका एक कॉन्सेप्ट आपको होता है बी स्क्वायर माइनस का जो फोर ए सी होता है, ये क्या होता है, बराबर जीरो हो जाता है, जब वर्गमूल यानी मूल बराबर होते हैं, ठीक है, जब मूल बराबर होते हैं तो ये कंडीशन आपकी होती है, ये कंडीशन आपकी होती है, आपको इसमें रखना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू छः है तो 36 आएगा, माइनस का फोर इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है, पी माइनस का थ्री रखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, दो नंबर है ना यहाँ पे, और इंटू सी, सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, नौ है, बस इसको बराबर जीरो कर लेंगे। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, 36 आएगा माइनस का चार पी, अब प्लस चार थ्री का कितना होगा, बारह, ठीक है ना, चार थ्री का बारह, लेकिन नौ भी तो है तो इसको नौ से भी तो गुणा करना पड़ेगा, है ना, नौ से भी गुणा हमें करना पड़ेगा, तो नौ चौको 36 हो जाएगा, 36 तो सही है, और यहाँ पर पी माइनस थ्री कर लीजिए, ठीक है ना, देखो यहाँ कर दे रहे हैं, ये 36 हमने गुणा हमने ऐसे करा दिया, ठीक है ना, नौ चौको 36, और यहाँ पर नौ चौको 36 तो आपका हो गया माइनस में, है ना, माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पर कहाँ चला गया, 36 ऐसे करो, रुको एक सेकेंड, चलो यहां पर देखो
इसको आप ऐसा करिए, इसको बराबर कर लीजिए, ठीक है ना, इसको इधर भेज दीजिए। तो ये आपका आएगा 36 माइनस, और ये कितना आएगा, 9 चौको 36, है ना। अब ब्रैकेट में आएगा पी माइनस थ्री अब बराबर जीरो, ये इस तरीके से आएगा। अब इस वाले नंबर को उधर भेज देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36 बराबर 36 पी माइनस थ्री, ये चीज आपकी आ जाएगी। 36 36 काट लेंगे तो पी माइनस थ्री बराबर कितना आएगा, 1। पी माइनस थ्री बराबर आएगा 1, तो ये उधर चला जाएगा, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 4। पी बराबर 4 होगा, है ना। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 4, बिल्कुल सही है, 4 हो जाएगा, बस बिल्कुल सही जवाब है, 4 होगा। देखो तो ये लोअर सेकंड परीक्षा का प्रश्न है। चलो 7 नंबर देखिए, ये भी लोअर का है। लिखा हुआ है के का मान बताइए, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या है, आपस में बराबर है। अब देखो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल ये होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपानी होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है सी अपानी। दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, अल्फा और बीटा, ये आपका होता है। तो ये बोला ये बराबर है, ये दोनों कैसे हैं, बराबर है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस बी अपान ए, ये एक तरीके से ये बोला है, मूलों का जो इनका दिया गया है योग और मूलों का जो गुणनफल है, ये आपस में क्या है, बराबर है, यानी ये चीज़ें आपस में आपकी बराबर है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी रखें, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेंगे बताइए, है ना। तो यहाँ पर माइनस बी है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पर के है ना, के है बराबर। सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 के है, और ए की वैल्यू कितनी है, के है, के से के तो कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर आएगा 3 के बराबर माइनस का 2, 3 के बराबर माइनस का 2, तो के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अमीन परीक्षा का सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x बराबर 0 है, यहाँ पर आपसे पूछा गया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, डी नंबर राहुल पायल बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। देखो तो इसमें क्या करो, कुछ नहीं करो, x का मान ले लो, तो x माइनस 16 बराबर 0 आएगा। अब इसके बराबर 0 कर देंगे तो ये तो आपको हो जाएगा x बराबर 0, इसको करेंगे x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर गैर शून्य पूछा है, तो गैर शून्य तो आपको यही वाला है ना, जो शून्य ना हो, जो शून्य ना हो, इसका मतलब विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर, हाँ सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 9 नंबर देखिए, लिखा हुआ यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। अब देखिए सवाल में बोला एक मूल जो है दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी पहला मूल अगर हमने मान लिया अल्फा है, तो दूसरा वाला इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा हो जाएगा, समझ गया ना। दो मूल है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, यानी पहला मूल अगर अल्फा है तो दूसरा व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/2 में लिखना है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अब हम आपसे कहेंगे कि बताइए कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल आपका क्या होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, दोनों मूल तो आपके अल्फा 1/अल्फा हैं, मूलों का गुणनफल आपका होता है सी अपाने, क्या होता है सी अपाने, तो सी अपाने ऐसे लिख लेंगे, है ना, सी अपाने, अल्फा से अल्फा तो काट ही सकते हैं, ये बचेगा 1, तो सी बराबर यहाँ पर 1 आ जाए, ए आ जाएगा, यानी ए बराबर सी, सी बराबर ए या ए बराबर सी, कहाँ पे लिखा हुआ है, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरीके से लिखा हुआ है, मूलों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखो मूलों के व्युत्क्रम का योग पूछा गया है, देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखो मूलों के व्युत्क्रम का योग पूछा गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहले आपको तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। द्विघात समीकरण आपका किस तरीके से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स अब प्लस का सी, ये होता है द्विघात समीकरण। इस फॉर्मेट में आपका लिखा कहाँ है, ये तो एक्स माइनस वन लिखा हुआ है ना। देखा जाए तो एक नंबर तो आपको चलो सही लग रहा है ये वाला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट यहाँ पर मान लेते हैं ए भी है, बट ये हमारा फॉर्मेट सही नहीं लिखा हुआ है, तो पहले इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर आपको ऐसे ही लिख लेना है, बराबर कर लीजिए, और यहाँ पर जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, अब इसमें ऐसा करिए एक्स से मल्टीप्लाई सब में करा दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना, 2ab एक्स आ जाएगा। फिर माइनस से करेंगे तो माइनस लगा के 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सब नंबरों पे माइनस आ जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस कितना आएगा 2ab, ठीक है ना, प्लस का 2ab, इतना आप कर लेंगे। हमने किया क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दिया, फिर माइनस 1 करवाएंगे, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ए बी एक्स स्क्वायर जब तक द्विघात समीकरण नहीं बना लेंगे ना, तो फिर आपको नहीं लग पाएगा। इसको इधर ले आइए, इसको जब हम इधर ले आएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो
अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी क्या है, या आप ऐसा करिए, ये फार्मूला आपका होता है किसका, ये फार्मूला आपका हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाता है, ये भी फार्मूला आपका बना देगा है ना, ये फार्मूला आपको बना देगा किसका, यहां अगर माइनस लगा लेंगे, माइनस था ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पर आपको बना देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब बराबर में कितना रहेगा, जीरो है ना, बराबर में रहेगा जीरो। अब हम ऐसा करते हैं, इन सबको इधर ले आते हैं, तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस का आएगा यहाँ पे, ए प्लस बी का स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो। देखो तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा समय ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप पूरा इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप पूरा इक्वेशन देखिए, अब आपका बन गया द्विघात समीकरण, ये जो हमने बनाया है ये आपका, देखिए कोई चीजें होती ना समझाने लिए आराम से बता रहे ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए, तो इस तरीके देखिए थोड़ा सा आपको सॉल्व किया है हमने, बस एक्स का पहले यहाँ गुणा करके लिखा, फिर माइनस वन के पूरे में करेंगे तो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, फिर हमने क्या किया इसको फार्मूले में लिख दिया है ना, और दोनों तरफ इसको थे इधर ले आए बराबर जीरो कर दिया, अब ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं, अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि मूलों के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, तो मूलों का व्युत्क्रम समझते हैं ना, मूल तो उसके अल्फा और बीटा ही होंगे दो मूल, इनके व्युत्क्रम का योग पूछा गया है, तो व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं ना, वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू बटे में अल्फा प्लस बीटा, देखो जब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपकी ये चीज आएगी। अब हम आपसे कहें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा मूलों का योगफल, तो आप कहेंगे माइनस का बी अपान ए होता है, माइनस क्या होता है बी अपान ए होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका बी तो ये है और ए ये है, तो हम सीधे कह सकते हैं यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसके आगे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू कितना आएगा ए बी, इंटू ए बी आएगा, ठीक है ना, इंटू ए बी आएगा, इसी प्रकार जब सी अपान ए निकालेंगे तो सी अपान ए तो उल्टा हो जाएगा ना ये, क्योंकि अल्फा बीटा तो बटे में है ना, तो अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए बी पहुंच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आना चाहिए वन, वन इसका आंसर आएगा, ठीक है, देखिए थोड़ा सा स्क्रीन में जगह नहीं थी इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा आपका विकल्प नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर बी होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे है ना, अल्फा प्लस बीटा की जाता, हाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे सी अपान ए, ठीक है, दोनों निकालेंगे सेम आएगा, ऊपर नीचे होगा कट जाएगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से देखिए अल्फा प्लस बीटा तो आप ये निकाल ही लेंगे, बस ये आपको समीकरण बनाना मेन था, ये समीकरण आपने बना लिया तो समझो सवाल। 11 नंबर देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल दो क्रमागत पूर्ण संख्या है, अब देखिए दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है, दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं आप समझते हैं कौन कौन सी होंगी, हमने मान लिया कि पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल क्या है अल्फा प्लस वन है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, दूसरा मूल हमने मान लिया अल्फा है और पहला क्या है अल्फा अल्फा प्लस वन, ये आपके क्रमागत हो गए। अब यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या लिखा हुआ है तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी का मान कितना होगा, तो चलिए मूलों को पहले योगफल निकालेंगे, तो अल्फा प्लस वन पहला पहला देखिए आपका यहाँ पर ये है, दूसरा ये माइनस का बी अपान ए होता है, तो माइनस का बी है तो इसमें दिया ही है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केवल बी, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टू अल्फा प्लस वन, टू अल्फा प्लस वन बराबर बी, ठीक है ना, तो यहाँ पर टू अल्फा प्लस वन बराबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो आपका एक हो गया। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन, ठीक है, दो मूल इसके हमने पहला अल्फा माना दूसरा अल्फा प्लस वन, क्रमागत बोला है ना, अब इनका गुणनफल होता है सी अपाने, तो सी लिख लेंगे बटे में, तो एक रहेगा कोई मतलब ही नहीं है, तो अब यहाँ पर हमारा ये आ गया, ठीक है ना, अल्फा इस तरीके से हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है बी स्क्वायर माइनस फोर सी, तो बी की वैल्यू ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा टू अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का फोर इंटू सी, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है अल्फा, और अल्फा प्लस वन है, ये सी की वैल्यू है, बस सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए, तो फोर अल्फा स्क्वायर प्लस का वन, अब प्लस का आएगा दो दूनी चार अल्फा, ठीक है ना, ये आपका आएगा, और यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा गुणा करेंगे तो माइनस का फोर अल्फा स्क्वायर होगा, अब माइनस का यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का फोर अल्फा,
ठीक है ना, माइनस का 4 अल्फा होगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा है ना, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, विकल्प नंबर ए होगा। विकल्प नंबर ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। विकल्प नंबर ए नंबर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलो देखिए, द्विघात समीकरण में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी है ना, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा ज्यादा शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसमें इधर उधर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट से लगा लीजिएगा, सिंपल है, ज्यादा कोई समय नहीं लगेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल। 2:3 के अनुपात में मूल है, तो अब यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं, अनुपात दिया गया है तो इनके आगे कोई भी नंबर आप लगा लीजिए, हमने मान लिया कि 2 के आगे अल्फा लगा लीजिए, लेकिन सेम नंबर लगाना है, अल्फा लगाएंगे तो यहाँ पर भी अल्फा ही लगाना पड़ेगा, बीटा नहीं लगाना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। जब भी अनुपात के सवाल हो, आप 2 बीटा 3 बीटा कर लीजिए, या 2A 3A कर लीजिए, यानी दोनों के नंबर आपके कॉफिशिएंट जो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बीटा वो सेम होने चाहिए। तो अल्फा अल्फा हमने मान लिया अनुपात में था ना, हमेशा ऐसे लिख लीजिए, दोनों मूल हमको पता चल गया, पहला 2 अल्फा है, दूसरा 3 अल्फा है, ठीक है। अब हम आपसे कहेंगे मूलों का योगफल कितना होता है, तो आप कहेंगे मूलों का योगफल 2 अल्फा + 3 अल्फा, माइनस का बी अपान ए होता है ना, तो बी की वैल्यू यहाँ माइनस बी है, तो ये तो प्लस में हो जाएगा, अपान ए, ए तो कुछ दिया ही नहीं गया है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 5 अल्फा = P हमारा आ गया है, यहाँ तक आप निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लगाएंगे गुणनफल वाला, तो गुणनफल जब करेंगे मूलों का गुणनफल, तो 3 × 6 α² हो जाएगा, और ये होता है सी अपान ए, सी की वैल्यू यहाँ पर 54 हो जाएगी है ना। अब 6 का भाग इसमें दे देंगे तो α² = 9 आएगा, तो α यहाँ पर आंसर आपका कितना हो जाएगा, α यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा है ना, α कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ±3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान हम 3 ले लेते हैं प्लस वाला, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, तो 3 × 5 = 15, यानी पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15, कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी। 12 नंबर का समझ गए ना सभी लोग, देखिए 12 नंबर का आंसर आपका क्या होगा, देखिए लाइव क्लास है, आपको जाना है, 10 बार पूछिए हम बताएंगे है ना, 10 बार पूछेंगे तो बताएंगे, गलत नहीं करना है, हर चीज़ों को देखिए समझिए, कम लोग हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनको मैथ समझ में आनी चाहिए, इसलिए हम देखिए इसमें ज़्यादा आपको कोई वैसी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, शॉर्टकट वगैरह ज़्यादा, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं, ये जनरल चीज़ें हैं, ये कभी भूलेंगे भी नहीं। मूलों को योगफल, मूलों का गुणनफल तो पता ही होना चाहिए, द्विघात समीकरण पता होना चाहिए, इसके पढ़ने से पहले आपको 3-4 चीज़ें पता होना चाहिए, तभी फिर आपको आएगी समझ में। चलो आगे सवाल देखते हैं, 13 नंबर, 15 सवाल तक थे, 2 सवाल और बचे हुए हैं, जल्दी कर लेते हैं। 13 नंबर देखिए लिखा हुआ है, बहुपद एफ एक्स के मूल क्रमशः इस तरीके से दिए गए है ना, तो पूछा गया एफ एक्स कितना होगा, तो देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखो ये x-1 है ना, जो जो भी मान होंगे उल्टा आपको लिखना है, माइनस में होगा तो प्लस कर देना है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर माइनस में दिए है ना उसको प्लस में कर दीजिए, ऐसे जैसे एक्स लिखो ये माइनस में है तो इसको +1 ऐसे कर देना, ठीक है, ये -1 है ना तो इसको भी प्लस में ही कर देना, ये +1 है तो अगले स्टेप में एक्स के साथ माइनस कर देना, ठीक है, एक्स के साथ माइनस कर देना, अगला नंबर भी +0 है तो अगले स्टेप में क्या करोगे, x-0, कहने का मतलब जो भी नंबर यहाँ लिखे होंगे एक्स के साथ उसको लिखना है, माइनस में होगा 1 तो उसको एक्स के साथ जोड़ देंगे, उल्टा करना है, ये भी माइनस में था हमने एक्स के साथ जोड़ दिया, यहाँ प्लस में था घटा दिया, इतना आप कर लेंगे। अब देखिए x+1 x-1, अच्छा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, फार्मूला क्या है, देखो x-0 है, x-1 है, तो एक्स में से अगर हम 0 घटाएंगे तो यहाँ तो एक्स में 0 घटाएंगे तो एक्स ही बचेगा है ना, तो कुल मिला के एक्स बचेगा, ये देखिए इसको हम ले सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर, ले सकते हैं नहीं ले सकते, अगले स्टेप में आएगा x-1, एक्स में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा है ना। तो देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, विकल्प नंबर सी है, विकल्प नंबर सी होगा, देखो यही नंबर को हम इधर लगा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ो है तो वही चीज़, 13 नंबर का सी, हाँ बिल्कुल सही है, पायल देखिए बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, चलो बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं, देखिए आपके लेखपाल में इससे ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके मूल क्या है, परिमेय अपरिमेय समान होंगे कि काल्पनिक होंगे, तो देखिए काल्पनिक के लिए हमने आपको बताया है काल्पनिक होंगे कि परिमेय होंगे कि अपरिमेय होंगे, तो हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया है d² है ना, d² कह रहे हैं, d बराबर होता है d बराबर आपने क्या पढ़ा है b² - 4ac, ये आपने पढ़ा है विविक्तर d = 4ac, ठीक है रहिए। तो जब याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी b² - 4ac का मान ठीक है ना 0 से कम आता है, या हम कह सकते हैं निगेटिव आता है, का मान क्या आता है, निगेटिव होता है, वो हमेशा काल्पनिक होता है, वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है।
अगर इसका मान निगेटिव, देखिए जीरो से कम का मतलब होता क्या है, कोई भी मान अगर जीरो से कम होगा तो उसका मतलब वो माइनस की बात हो रही है। जैसे आप नंबर लाइन पढ़ते थे ना, -1 -2, जीरो से जो नंबर कम होगा वो हमेशा माइनस में पहुंच जाएगा और आगे होगा तो प्लस में होगा। तो कहने का मतलब जीरो से कम मतलब निगेटिव, ठीक है ना। जीरो से अगर नंबर कम होगा तो उसका मतलब यही होता है कि वो निगेटिव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? निगेटिव की बात आपकी हो रही है, ठीक है ना, निगेटिव की बात हो रही है। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं बी की वैल्यू। यहां पर देखिए ए की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2 है। बी की वैल्यू भी 2 है और सी की वैल्यू 5 है। चलो रख लेते हैं, बी स्क्वायर में रखते हैं। तो यहां पर 4 माइनस का 4 इंटू ए, 2 इंटू 5। यहां पर 4 माइनस 5 दूनी 10 चौको 40, यानी माइनस का 36 आया। ऐसा होगा काल्पनिक, ठीक है। जब भी निगेटिव मान आएगा हमेशा काल्पनिक होता है। 14 नंबर का देखिए आंसर सभी लोगों का आ रहा है। 14 नंबर समझ में आ गया ना। देखिए एक सवाल और बचा है, लास्ट सवाल है, देख लेते हैं। 14 नंबर समझ गए ना, जब भी मूल होंगे तो हमेशा क्या आएगा, अगर माइनस में आता है तो हमेशा काल्पनिक होगा। अगर ये मान लो माइनस में ना आके इसका आंसर मान लो अगर 5 आ जाता या 4 आ जाता तो फिर आपको परिमेय लगा के आना पड़ता। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो आंसर में अगर मान लो सॉल्व करने पे प्लस का 36 आ जाता या प्लस में कोई नंबर आता तो फिर आपको परिमेय लगा के आना पड़ता। अगर मान लो आंसर में अंडर रूट पे आंसर आ जाता, मान लो रूट पे आंसर आ जाता है ना, रूट पे आंसर आ जाता तो फिर आपको लगा के आना पड़ता अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम पीएफ 1 के रूप में नहीं ले सकते हैं, अर्थात जो संख्या रूट के अंदर रहती है बाहर नहीं निकल पाती है। जैसे रूट 5, रूट 7, ये आपकी कैसी होती है, अपरिमेय होता है। रूट 9 जो होता है उसका मान 3 होता है इसलिए परिमेय हो जाता है। तो ये सारी चीजें परिमेय अपरिमेय में हमने पढ़ाया है। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, देखिए अभी काफी सारे सवाल हैं द्विघात समीकरण के, ठीक है। कम से कम 2 से 3 क्लासे अभी और आपकी चलेगी, 2 से 3 क्लासे, उसमें हम सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर देंगे। एक बार आप पढ़ लीजिए, अभी दूसरे टाइप के सवाल हैं अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसमें कुछ बता रहे हैं, और इसमें शॉर्ट ज्यादा होता भी नहीं, इसलिए आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है। चलिए, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में लिखा हुआ है कि सर्वसमिका है, देखो तो सर्वसमिका समझते हैं क्या होता है। सर्वसमिका क्या होती है, देखो तो सर्वसमिका का मतलब तब होता है कि सर्वसमिका एक तरीके से जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे एक फार्मूला पढ़ते हैं, ये मान लो पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये पढ़ते नहीं पढ़ते, इसी को बोलते हैं सर्वसमिका है। अगर हम मान लेते हैं कि a बराबर मान लो हमने 2 ले लिया और b बराबर मान लो 3 ले लिया, अपने हिसाब से ले लिया। अब यहाँ पे रख के देखो, 3 2 5 इधर रखेंगे लेफ्ट साइड में, 3 2 5 के स्क्वायर करेंगे 25 आएगा कि नहीं आएगा, और इधर रखेंगे a की वैल्यू 2 2 4, यहाँ पर आएगा 9, अभी करेंगे कितना 2ab, 3 2 6 2 12, तो 12 9 कितना होता है 21 4 25, यानी इधर भी 25 आ जाएगा। तो देखिए सर्वसमिका में लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर होते हैं, और ये हमारा कभी इसका मान बदल नहीं सकता, हमेशा लेफ्ट राइट के बराबर आएगा। लेकिन जो हमारे समीकरण होते हैं, समीकरण समझते हैं ना, जैसे हमने लिखा इस तरीके से, मान लो लिख दिया 2x + y बराबर मान लो इस तरीके से कुछ भी लिख दिया है ना, तो इसके मान मान लो x में कुछ और रखोगे, y में कुछ और रखोगे, या फिर कुछ और रखोगे, तो कई सारे मान हो सकते हैं। लेकिन ये आपकी कंडीशन क्या होती है सर्वसमिका की, लेफ्ट राइट हमेशा बराबर होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि लेफ्ट राइट बराबर हो, तो बस यही अंतर आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर बराबर होने के लिए यहाँ पर आपके मान क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर जीरो अगर लाना है तो हमें ए बी सी तीनों के तीनों क्या रखने पड़ेंगे, जीरो, तभी तो आपका जीरो होगा, अदरवाइज जीरो आएगा ही नहीं, है ना, अदरवाइज जीरो आपका आएगा ही नहीं। तो ये सिंपल प्रश्न था, सर्वसमिका संबंधी सवाल था। तो 15 नंबर का आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 15 नंबर का डी। सर्वसमिका जो फार्मूले आप पढ़ते हैं ना, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए, जितने भी आपके फार्मूले होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सर्वसमिका होते हैं, ठीक है। 5a² + 15a - 6b - 2ab बराबर है, पूछा गया इसका मान कितना होगा, तो देखिए कैसे आपको लगाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इनको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जो 5a लिखा हुआ है, जो 5a² लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद माइनस को 2ab, क्योंकि a के बाद देखिए b आ रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसा करो इसको इधर ले आओ, माइनस का 2ab ले आओ, हमने 2ab लिया है पहले। अब इस इधर लिखो 15a और यहाँ लिखो माइनस का 6b, ऐसे कर लो। देखो हमने क्या किया, पहले इसको लिखा बाद में फिर इसको ले आए, ठीक है ना, अरेंज कर लिया है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, और फिर इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ठीक है ना, इन दोनों में कॉमन आपको देखना है। तो इनमें कॉमन देखेंगे तो कितना आपका आएगा,
यहाँ पर कामन आप पर कितना आएगा, ए कामन आ जाएगा, ठीक है ना, ए कामन आपका हो जाएगा इस वाले में। तो यहाँ अंदर बचेगा 5a माइनस का 2b, यहाँ पर आपका कामन कितना आएगा, 3 ले लेते हैं, कितना प्लस का 3 ले लेते हैं, ठीक है ना, प्लस का 3 कामन ले लेंगे इधर, तो अंदर आएगा तुम्हारा इधर अंदर कितना आएगा, 3 5 15 माइनस का 2b, ये आपका अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, चलो चलो यहाँ तक तो दिख रहा होगा आपको अच्छे से, चलिए क्लियर हो गया। अब इसके बाद इन दोनों में फिर से एक कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में 5a माइनस का 2b होगा और दूसरे में क्या होगा, 1 प्लस 3 होगा, यही हमारा आंसर होगा। और कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल सवाल था, है ना, इसको इसी तरह से लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ना पहला वाला सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है यहाँ पर किसके बराबर होगा, तो देखो ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है कैसे लगाना है। हाँ बिल्कुल सही है, डी नंबर, देखो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, लॉजिकल सवाल सोचते हैं कैसे आपको लगाना है। चलिए सवाल आपको दिख रहा होगा, तो देखो ये जो क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 3x+5 का होल स्क्वायर माइनस का 60x, ये आपका दिया गया है। अगर हम आपसे कहें कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे इसको, अगर हम खोल देते हैं फार्मूले को, तो हमारा कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने पढ़ा ही होगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे करते हैं, आप यहाँ पर देखो 3 का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अब प्लस का ए स्क्वायर माइनस बीस माइनस 2ab और प्लस का 4ab, ये आपने फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसका होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4ab, यानी ये फार्मूला एक इसका होता है, ठीक है ना, इसका होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये जो फार्मूला माइनस में लिखा हुआ, पहले बात तो देखो यहाँ पर 3x+5 है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 3x 5 के ही रेस्पेक्ट में होगा, 10 वाला हो नहीं सकता है, 12 वाला हो नहीं सकता है, तो आपको बिना सोचे आपको बी नंबर पे टिक कर देना है, ठीक है। अब चाहो तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, चाहो तो देख लो। अब प्लस का 4ab हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, यहाँ पर देखिए अगर आप लिखेंगे प्लस का 4ab तो 4 5 20, अब 20 3 का 60, है ना, तो 20 3 का 60 प्लस का आएगा, यहाँ पर माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3x-5 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये 4ab लिखा गया है इस तरीके से आप ब्रेक करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ये फार्मूला खोलेंगे ना तो भी वही आएगा, तो इसी लॉजिक पे आपको सोचना है, जो भी आंसर होगा तो इसी कांसेप्ट में तो लिखा गया है, तो माइनस वाला आंसर आपका हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, जब भी प्लस करोगे तो 60x आएगा, यहाँ पर माइनस बाद में लिखा है तो कट जाएगा, तो आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 18 नंबर, यदि प्रणाली 6x-2y=3 और kx-y=2, देखो इसमें हमने आपको कल बताया था अद्वितीय हल वाला कैसे होता है, देखो 6x-2y=3 है आपका, तो यहाँ पर आप ऐसा करिए, इसको आप ऐसा करिए, माइनस को 3 इधर बुला लीजिए, बराबर 0 लिख लीजिए, ठीक है, ये हमारा आएगा kx-, यहाँ पे लिखते हैं इसको kx-y-2=0, ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखो आपका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ए वन की वैल्यू क्या होगी, ए वन की वैल्यू कितनी है, 6, ये बी वन की वैल्यू होगी, यानी बी वन हमारा कितना है, बी वन हमारा कितना है, -2 है, और यहाँ पर अगर हम निकालेंगे ए टू की वैल्यू x है और बी टू की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे -1, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अद्वितीय हल के लिए कंडीशन आपने पढ़ा है ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल बी वन अपान बी टू, ये आपने पढ़ा है, ठीक है ना, ये पढ़ा है आपने 18 नंबर भी। तो देखो ए वन कितना है यहाँ पे, 6, ए टू कितना है x, बी वन कितना है यहाँ पे -2, बी टू कितना है -1, ये तो कट गया, 2 1 2 2 3 का 6, x=3, के बराबर है ना, के था क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर के था, तो के आ जाएगा, के बराबर 3 आएगा, के बराबर 3,
हाँ बिल्कुल सही है, 18 नंबर का भी राहुल, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर नाट आएगा ना, नाट लगाएंगे, नाट में होता है ना ये अद्वितीय हल के लिए नाट, तो के नाट भी नहीं होगा, गड़बड़ कर देंगे फिर, ठीक है ना, भी नहीं होगा आपका आंसर जो जाएगा यहाँ पे, के नाट थे ये वाला होगा, ए नंबर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपकी कंडीशन होती है ना, यहाँ कटा हुआ होता है, यहाँ पर जो कंडीशन होती है कटा हुआ, ये आपकी अद्वितीय हल के लिए होती है। कौन सी हल के लिए होती है? अद्वितीय हल के लिए, ठीक है ना, अद्वितीय हल के लिए कटा हुआ आंसर होगा, बराबर 3 नहीं होगा, समझ गए? 18 नंबर का ए होगा, 18 नंबर का ए होगा, कटा हुआ आंसर नहीं होगा, मतलब कटा हुआ आंसर होगा के नॉट इक्वल 3, नॉट इक्वल वाला होगा, ए नंबर गलत हो जाएगा। अद्वितीय के लिए आपका यही रूल होता है, अद्वितीय के लिए क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। हाँ समझ गया ना, हाँ बिल्कुल, गलती से 3 मत करिएगा। चलिए, वीडियो वगैरह साफ क्लियर दिख रहा है? देखिए वीडियो वगैरह आपको क्लियर दिख रहा है साहब? बफरिंग वफरिंग की समस्या तो नहीं दिख रही? समझ में आ रहा है आज आपको? सब दिख रहा है क्लियर अच्छे से? हाँ सर जी, चलो क्लियर दिख रहा है। चलो ये वाला हो गया, कौन सा नंबर है, 16, 17, 18 नंबर तक हो गया, 19 नंबर, 19 नंबर पे आते हैं। नहीं सर जी, हाँ सर जी, चलो दिख रहा है, चलो बताओ 19 नंबर बताओ। लिखा हुआ है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। अब देखो इसके हमें मूल बताना है ना, मूल बताना है, तो मूल देखो कैसे निकालते हैं, देखो मूल कैसे निकालेंगे इसके मूल। देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर कितना है, 0, एक्स कॉमन ले लेंगे ना, तो एक्स माइनस 5 आएगा बराबर 0, तो इसके दो मूल होंगे, एक तो एक्स बराबर 0 करेंगे तो आपका एक्स बराबर 0 आएगा, और दूसरा आएगा एक्स बराबर 5। 0 और 5 कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर ए। चलिए विकल्प नंबर इसमें क्या होगा, यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 19 नंबर का है। चलो यहाँ पर देखते हैं, सिंपल सवाल है, लिखा हुआ है 3x² माइनस 192 बराबर 0। यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले आपको देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये, सिंपल है, लगा लेंगे आप इसको। क्या करिए आप, 3x² माइनस 192 बराबर 0 है, तो इसको क्या करिए, 3x² बराबर 192 लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 192 में से 3 से भाग करिए, 3 × 18, 3 × 12, यानी ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो एक्स बराबर क्या आएगा, यहाँ पर रूट तो लेंगे ही, प्लस माइनस लगाएंगे, 64 इसका वर्गमूल होता है, तो प्लस माइनस 8 है ना, प्लस माइनस 8 होगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो आपका दिया गया है, यहाँ पर 8 वाला हो जाएगा, अगर प्लस माइनस, वैसे तो आंसर आपका ये वाला होता है प्लस माइनस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 8 दिया है। देखो एक चीज़ हम आपको और समझा देते हैं, देखिए बहुत अच्छी चीज़ समझा रहे हैं, इसको समझ लीजिए, काम देगा आपको एग्जाम में। देखो अगर क्वेश्चन में मान लो ये लिखा है x बराबर √64, तो इस केस में आंसर हमेशा 8 होता है। अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसे लिखा है जैसे ये ऊपर लिखा था, तो इस केस में ये क्या डिग्री है, जब एक्स स्क्वायर, देखो दोनों तरीके अलग हैं, जब सवाल ऐसे दिया होगा तब आंसर आपका आएगा प्लस माइनस का 8, समझिएगा, जब सवाल इस फॉर्मेट में दिया होगा तो आंसर सिर्फ प्लस का आता है, ठीक है, जब आंसर प्लस का आता है, लेकिन यहाँ पर आंसर प्लस वाला दिया है। ये क्या है, ये आपका उसमें लिखा हुआ है, एक घात के रूप में लिखा हुआ है, जब घात मतलब उसकी डिग्री अगर 2 होती है तो उसके आंसर 2 होते हैं, इसमें डिग्री तो 1 है, तो इसका आंसर सिर्फ आपका 1 ही होगा, है ना। ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं, जानकारी नहीं रहती है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो इस सवाल को देखिए, यहाँ पर आपको बताना आंसर क्या होगा, क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम ट्रिक से बता रहे हैं, इस सवाल को देखिए ट्रिक से कैसे लगाना है आपको, ठीक है ना, ट्रिक से देखिए कैसे लगाएंगे, ठीक है, ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि ट्रिक से कैसे आपको लगाना है। देखो सबसे पहले देखिए, आपको ध्यान देना है कि ये जो इक्वेशन हमारा लिखा हुआ है 4x² का प्लस का 8x माइनस का 5, ये दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो ये जो नंबर एक्स के इधर लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ये एक्स के इधर लिखा होता है, इसका मतलब ये जो इधर लिखा होता है, ठीक है ना, तो ये तो -5 है, यानी माइनस और इसको लिख दिया करो बटे में, -5/4, तो
अब आपको ऑप्शन वो देखना है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए दो आंसर दिए गए ना, दो यहाँ पर आपके दो मूल होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन को आपको ऐसा ऑप्शन देखना है कि दोनों विकल्पों को गुणा करने पर, दोनों विकल्पों को गुणा करने पर माइनस का 5/4 आना चाहिए। तो देखिए पहला वाला अगर ऑप्शन लेते हैं 3/4 1/2, इनको अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 8, 5/4 आया नहीं आया, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करेंगे तो माइनस गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 5/4 आ गया ना, तो बस यही वाला विकल्प आपका हो जाएगा। ठीक है, लगाना नहीं है, लगाना नहीं है, बस आप ऐसे समझ लीजिए आप जल्दी से लगा लेंगे एग्जाम में जब आपका आएगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा आप जल्दी से लगा लेंगे, 21 नंबर का क्या होगा, बी होगा। चलो उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर मान लो यहाँ नंबर ना होता तो फिर हम देखते कि -5 किस में आ रहा है, ठीक है ना। अगर एक्स के साथ कोई नंबर अगर मान लो दिया है तो इसको बटे में कर दीजिएगा, अगर यहाँ नहीं कुछ दिया है तो फिर हम ये मान के चलते कि दोनों संख्याएं जो दी गई हैं ऑप्शन में उनको गुणा करने पे -5 हमें लाना है। अगर यहाँ एक्स के साथ कोई नंबर लिखा होगा तो इस तरीके से आपको करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो कोई ये सवाल है, अच्छा सवाल है, 22 नंबर। 22 नंबर देखिए, हाँ समझ में आ गया ना, हाँ जब एक्स स्क्वायर में रहेगा उसको बटे में, बस सीधे आपको ऑप्शन से लगा देना है। तो को 22 नंबर देखो, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 है तो देखिए दो असमान है। देखो तो कल हमने आपको बताया था जब काल्पनिक होता है, ये क्या हो जाता है बार बार, एक सेकेंड, तो कल हमने बताया था काल्पनिक के लिए, क्या बताया था, काल्पनिक के लिए, काल्पनिक के लिए हमने आपको क्या बताया था, कंडीशन बताया था, आपको याद होगा कल की क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो। कल हमने बताया था काल्पनिक के लिए b² - 4ac का मान जो होता है 0 से क्या होता है, अगर कम आता है, ठीक है ना, तो कैसा होता था, काल्पनिक होता था, ये काल्पनिक होता है। अब यहाँ पर जो वास्तविक और असमान की बात हो रही है तो इसमें हमको लाना पड़ेगा b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये हमारा किसका होता है, ये हमारा वास्तविक और असमान, वास्तविक है और असमान, असमान जब ये कंडीशन देगी तो आपको ये वाला लेना है, ठीक है ना, आपको कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, और जब काल्पनिक कहेगा तो ये वाला लेना है। ये बात आपको समझ में आ गई, चलो ये वाला लेते हैं। तो b² - 4ac, तो इसका जो भी मान होगा देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण हमारा के, ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये हमारा लिखा हुआ है x² प्लस का के एक्स प्लस का के बराबर 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे 1 मान लेंगे। बी की वैल्यू कितनी है, के है। सी की वैल्यू कितनी है, के है। सी की वैल्यू भी यहाँ पर के है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम करते हैं b² इस वाले में रखेंगे, तो b² यानी k² आएगा, माइनस का 4ac यानी माइनस का 4ac यानी माइनस का 4k आएगा, इज ग्रेटर देन 0। हमने बताया था इसको इधर भेज देंगे तो ये आपका आ जाएगा k² इज ग्रेटर देन 4k। अब आप ध्यान दीजिएगा k से कट गया तो ये हमारा कितना आ गया, k इज ग्रेटर देन 4, यानी k का मान जो होगा 4 से बड़ा होगा, k का मान जो होगा 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए k का मान 4 से बड़ा कहाँ पर है, ये केवल इसको सी वाला नहीं करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। देखो यहाँ k का मान तो 4 है ही, लेकिन ये जो 0 लिखा है ना यहाँ पर आप समझिए, तो के का मान जो होगा, ठीक है, इसके दो आंसर आपके होंगे, के का मान जो है 4 से तो बड़ा है ये तो कन्फर्म है, लेकिन के का मान कहीं ना कहीं, ठीक है ना, यहाँ पर असमान और वास्तविक असमान की बात हो रही है, यानी दो मान उसके होंगे। के मान क्या होंगे, दो होंगे, एक तो 4 से तो बड़ा हो गया और एक क्या होगा, 0 छोटा होगा, यानी विकल्प नंबर डी लगा के आएंगे। यहाँ पर अगर सी नंबर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। के का मान मान के चलिए कि 4 से जब बड़ा होगा, तो के का मान अगर 4 से बड़ा है तो के का मान 0 से क्या होगा, एक छोटा भी होगा, असमान लिखा है ना यहाँ पे, असमान, तो दो आंसर आपके होंगे। ठीक है, 4 से बड़ा वाला तो कंफर्म हो गया है, लेकिन अब हमें एक दूसरा लेना है, तो 0 से बड़ा लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, के का मान जो है, के का मान क्या है, 0 से छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा, 0 से छोटा और 4 से बड़ा, ठीक है ना, इस तरीके से आपका आंसर होगा विकल्प नंबर डी। हाँ ए वाला जो है, ए वाला इसलिए नहीं होगा, देखो ए वाले में ये जो लाइन लिखी है, एक सेकेंड, देखो ए वाले में, देखो ए वाला इसलिए नहीं होगा, यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ, के इज लेस देन, ठीक है ना, तो इसका मतलब के का मान 4 से छोटा है, ये वाला है ना, के का मान 4 से छोटा, ये के का मान 4 से बड़ा आ रहा है, तो
तो इसलिए ये वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें तो पहले ही सरासर गलत बता दिया है। के का मान जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 से छोटा है, जबकि के का मान 4 से बड़ा आना चाहिए। बड़ा का मतलब समझते हैं ना, ये वाला, ये क्या है, बड़ा बता रहा है के का मान, ठीक है, इसलिए पहले नहीं होगा। दो आंसर वाले आंसर को टिक करना, हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि उसी विकल्प को टिक करिएगा जहाँ पर दो आंसर हो। समझ गए राहुल, ए नंबर नहीं होगा, ठीक है, ए नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर के का मतलब है कि 4 से छोटा है, जबकि बड़ा वाला लेना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर। चलो क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर। 23 नंबर देखो लिखा हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, देखो ये एक बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको क्या करना है, देखो आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर कितना है, 0 है। आप ऐसा करिए, एक्स यहाँ पर ऐसा करिए, इसको आप ऐसा करिए, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये 3x को इधर भेजते हैं, कोई दिक्कत है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बताइए, नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को प्लस 1 बराबर 3x। अब इस प्रश्न को देखिए, हमसे पूछा किसका मान गया है, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हमसे पूछा गया है एक्स प्लस 1/x का मान कितना होगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे ना यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखो चाहे ये, दोनों का मतलब तो एक ही है। अब ये बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमें को पता है 3x है, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 3x बट्टे में x कट गए, आंसर कितना आएगा 3, कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी। आप कल बताएं सर जी ये वाला, सर जी जैसे आप बताए सर जी, हाँ बिल्कुल। चलो यहाँ पर आप समझ गए ना सवाल, ये एक तरीके से हमारा एलजेब्रा का सवाल थोड़ा सा कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ही इसमें भी, तो ये आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, लॉजिकल सवाल था, ठीक है, इस तरीके से कुछ नहीं करना था, पहले आपको इनको इस तरीके से बना लेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना, चलो आ गया है, कौन सा नंबर, ये वाला समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखो, 24 नंबर, देखो 24 नंबर देखिए सवाल, 24 नंबर देखिए, चलो इसको लगाने की कोशिश करिए, कॉपी पेन तो लेके बैठे ही होंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा 24 नंबर का। देखो निम्नतम, निम्नतम मान पूछा गया, कौन सा मान पूछा गया, निम्नतम, ठीक है ना, देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो निम्नतम मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है ना, ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1, इसको हम तुलना कर रहे हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, और सी की वैल्यू क्या है 1 है, ये आपको पता है, ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब देखो ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है, देखो ट्रिक नोट कर लीजिए, ट्रिक क्या होती है, देखो ट्रिक यहाँ पर देखो क्या होती है, ट्रिक पे ध्यान देना है आपको, देखो ट्रिक क्या होती है, जब भी निम्नतम मान पूछेगा कौन सा निम्नतम, तो इसका ट्रिक होता है 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपान 4a, ये फार्मूला बस आपको याद रखना है जब निम्नतम मान पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए 4, एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, जब भी द्विघात समीकरण होगा और पूछेगा निम्नतम मान क्या होगा, ठीक है, मिनिमम मान कह सकता है, तो इसके लिए आपको यही फार्मूला याद रखना है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। अब ए बी सी की वैल्यू तो यहाँ निकाल ही लेंगे कंपेयर करके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है, ए की वैल्यू आप देखेंगे तो 1 है, बस फार्मूले को याद कर लीजिए और काम आपका हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 है, बी की स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, 1 ही तो आएगा, ठीक ना, और 4a है तो 4 यानी 4 आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 3/4, कितना आएगा दोस्तों 3/4, सबसे सिंपल मेथड है
और इस तरीके से आप फार्मूले बेस्ड सवाल लगा सकते हैं। 24 नंबर का आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, 24 नंबर का ए होगा, सी नहीं होगा। यहाँ पे गुणा करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर 4 आएगा माइनस 1 यानी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 24 होगा, 24 आंसर नहीं होगा, 24 का ए होगा। चलो अगला बताइए, 24 का ये देख लो एक बार फिर से देख लो लिखा हुआ है, हाँ बस साल भी तो किया है, कुछ किया थोड़ा भाई, देखो ये साल भी किया गया है। चलो अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है किसी द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, x बराबर 1/2 है और x बराबर माइनस का 1/3 है। तो पूछा गया है द्विघात समीकरण के किस प्रकार को लिखा जा सकता है। देखो तो इसको मैं आपको ट्रिक से बता रहे हैं कैसे लगाना है। कुमार राहुल हमारे भी जुड़ चुके हैं, नाइस। देखो तो इसको भी देखो ट्रिक से लगाना है, ट्रिक से इसको देखिए कैसे लगाएंगे। देखो ट्रिक से कैसे लगाएंगे, यहां से देखो ट्रिक से। अच्छा ब्लू कलर से लिखने में सही दिखता है कि लाल कलर से, रेड कलर से? रेड वाला पसंद है कि ब्लू वाला, कलर बता दीजिए उसी से लिखा करें। कौन से कलर से पसंद है, ब्लू कलर से है कि रेड से, जिसमें आपको अच्छा दिखे। देखो तो इसका ट्रिक देखिए कैसे लगाना है, ये आपके इक्वेशन दिया गया है, आपको क्या करना है देखो, ये हमें मान निकालना है। तो जो भी ऑप्शन पहले पहला ऑप्शन ले लो, पहला ऑप्शन ले रहे हैं, इसके बराबर 0 करोगे यानी 2x-1 बराबर 0 करोगे, तो यहाँ पर आपका आएगा 2x-1, तो x बराबर 1/2 आएगा। चलो ये तो कंडीशन सही हो गई है ना, 1/2 आ गया। इसको इसी को 0 बराबर करोगे तो 3x-1 बराबर 0, अब डायरेक्ट करते हैं तो 3x-1 आएगा, तो x बराबर आपका 1/3 आएगा, जो कि माइनस में लाना था, इसलिए पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। इस विकल्प को देखोगे तो बराबर जब 0 करोगे ना, तो x बराबर यहाँ पर आएगा माइनस का 1/2, आएगा नहीं आएगा बताओ? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको करोगे तो यहाँ पर भी आएगा नहीं होगा, ये वाला विकल्प तो बचा है, डी नंबर को टिक कर दो। अब देखो जब 2x-1 बराबर 0 करोगे तो 2x-1 आएगा कि नहीं आएगा, x बराबर 1/2 आया कि नहीं आया। इसी प्रकार जब 3x+1 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर आपका आएगा कितना, माइनस का 1 आएगा, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 1/3 आया कि नहीं आया। और यही तो क्वेश्चन में दिया था, देखो प्लस माइनस दिया था नहीं दिया था, तो ऑप्शन से लगा सकते हैं, इनको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? ऑप्शन से लगाइए आंसर आपका आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, 25 नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये सिंपल सवाल है, इसको देखिए कैसे लगाना है। यहाँ पर देखो ये आपका दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको बराबर में लिख लेंगे 200, और एक्स स्क्वायर बराबर इसका 2 से भाग कर देंगे तो 100 आएगा। अब देखो इसका आंसर जो आएगा एक्स बराबर क्या होगा, रियल आंसर प्लस माइनस 10 होना चाहिए, है ना ये, क्योंकि यहाँ पर दो घात है, दो आंसर होंगे, लेकिन प्लस वाला दिया है। तो ये अगर मान लो गलती से विकल्प में ये दे दिया है, समझिएगा ध्यान से, और एक विकल्प मान लो आपका ये दे दिया है, आपका मान लो एक विकल्प आपका ये दे दिया है, आपका एक विकल्प आपका ये दे दिया है, तो फिर आप इसको करके आएंगे तो गलत हो जाएगा, फिर आपको ठीक इसको करके आना पड़ेगा प्लस माइनस 10 वाले को। ध्यान दीजिएगा कई सारे परीक्षाओं में सवाल आते हैं, अगर 10 भी दिया है अब प्लस माइनस दिया है तो फिर इसको करके आइएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के बराबर आया था, इसका मतलब एक्स के हमारे दो मान संभव होंगे। और जब सवाल डायरेक्ट ऐसे लिखा होता है तब हमारा सिर्फ एक्स का मान केवल केवल 10 होता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, देखिए बहुत छोटी चीज़ है, एक्स स्क्वायर में लिखना नाम नंबर और एक्स बराबर अंडर रूट में लिखना, दोनों में अंतर होता है। 55 को देखिए ऐसे दो भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 516 है। देखो तो 516 दिया गया है, तो इसको भी आपको लगाना है ऑप्शन से, किससे लगाना है, ऑप्शन से लगाना है, ऑप्शन से, ठीक है ना, ऑप्शन से लगाइए। देखिए सबसे पहले 55, तो जोड़ने पे 55 आना चाहिए, तो 55 देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, ये तो 25, 60, 33 हो रहा है ना, ये भी 55 हो रहा है और हमारा ये भी 55 हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब 55 से जोड़ने से काम नहीं चलेगा, गुणा करने पर 516 आना चाहिए। तो देखिए गुणा करने पर यानी लास्ट में 6 आ रहा है, तो 12 तिरका 36 यहाँ पर आएगा, 12 तिरका 36 और 12 चौको 48, 3 51। देखो 516 आया कि नहीं आया, बस विकल्प नंबर आपका ए लग गया, लगाना नहीं है, बस ऑप्शन जैसा कहे वैसे करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 27 नंबर का क्या होगा, राइट आंसर आपका ए नंबर। बोला ना कि दो संख्याएं हैं, जोड़ने पर 55 तो होगा ही, क्योंकि 55 को दो भागों में बांटना है।
अब गुणा करने पे आना चाहिए, तो हमने गुणा जब 43 और 12 का जब किया तो कितना आ गया 516, और किसी ऑप्शन में आएगा ही नहीं, और किसी आपके ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है ना। 27 नंबर का ए होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पर देखिए, ये भी देखो ऑप्शंस लगाएंगे, इसको भी लगाएंगे कहाँ से, ऑप्शन से। देखो द्विघात समीकरण में बहुत सारे सवाल आपके ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से लग जाते हैं, लगाना नहीं है आपको, टाइम की बचत करनी है। देखिए जहाँ सवालों में हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रिक की, वहाँ पे हम ट्रिक जरूर बताते हैं आपको कि कैसे आपको लगाना है। टाइम देखिए, टाइम का तो बचत करना ही है पेपर में। और मैथ का देखिए, जब तक आप सेक्शन अच्छे से कंप्लीट करके नहीं आएंगे, क्योंकि जीके जीएस तो चलो सब लोग पढ़ रहे हैं, बाकी मैथ में बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, इसलिए मैथ का फ़ायदा उठाइए और फुल अच्छे से पढ़िए। हम भी चाहेंगे जितने लोग हमारे चैनल पे हैं सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, जितने भी लोग आते हैं सबका हो जाए। चलिए दो संख्याओं का योगफल देखिए, दिया गया है 8, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल दिया गया 8। तो देखो यहाँ पर दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 8 देखिए कहाँ पर हो रहा है, यहाँ तो 6 हो रहा है, ये होगा नहीं, यहाँ 12 हो रहा है, ये होगा नहीं, 3 2 5 हो रहा नहीं होगा, होगा कौन, ये वाला होगा, विकल्प नंबर कौन सा होगा, डी नंबर, देख रहे हैं ना, मतलब आपका समय ही नहीं लगेगा, यहीं से चेक हो गया। अब मान लो कि एक विकल्प हमारा और दे देता, मान लो सपोज हमने मान लिया कि एक विकल्प हमारा 6 और 2 दे देता, तो हम कहते हैं इनको भी जोड़ने पे 8 हो रहा है, इनको भी जोड़ने पे 8 हो रहा है, अब कौन सा लगाएं। तो देखो आगे कंडीशन, फिर इसको भी लगाते, इसमें बोला गया है उनके वर्गों का योगफल 34 है, तो वर्गों का योग समझते हैं ना, 3 का स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25, यानी 34 तो इसी में आएगा, इसमें थोड़ा आ जाएगा, 36 चार जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब दो ऑप्शन आपके मैच कर जाएं तो फिर आपको दूसरी वाली भी कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा, लेकिन चलो इसमें एक ही ऑप्शन दिया था तो बाकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी दिमाग लगाने की, और आंसर हमारा हो गया। 29 नंबर देखिए सवाल, अच्छा सवाल है 29 नंबर, देखिए कैसे आपको लगाना है, अच्छा सवाल है। देखिए चीज़ों को आपको समझना है, टाइम की भी बचत करना है, और परीक्षा में आपको इसी तरीके से लगाना है। तो को यहाँ पर आपका जो सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसका आधार लंब से 2 सेंटीमीटर कम हो तो त्रिभुज का आधार और लंब कितना होगा। देखो तो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज की आपने भुजाएं देखी होंगी कौन कौन सी होती हैं, समकोण त्रिभुज की आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 3 4 5 की होती है, होती कि नहीं होती, एक ट्रिपलेट हमारी 5 12 13 की होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या, समकोण त्रिभुज एक तरीके से इस तरीके से आपका होता है, ठीक है ना। ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है, ये 90 डिग्री भी होगा, और ये आपका कर्ण होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रिपलेट की बात करते हैं तो 3 4 5, इसका अगर हम डबल कर देंगे तो 6 आएगा, इसका डबल कर देंगे 8 आएगा, इसका डबल 10, तो कहने का मतलब उसमें दो भुजाएं तो आपकी 8 10 तो होंगी ही, है ना, 8 10 तो होंगी ही, लेकिन 7 20 21 का भी आपका होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका एक और चीज़ लिखा हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 40 सेंटीमीटर है, बाकी आप सब मत पढ़िए, बाकी सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये ध्यान देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, देखो क्षेत्रफल आपका होता है यहाँ पे 1/2, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए सवाल को समझना है, लगाना नहीं है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये जो लंब है ना इसी को हम ऊंचाई मानते हैं, क्या मानते हैं, ऊंचाई। तो अच्छा आप ये बताइए, चलो पहला वाला ऑप्शन ले लो, इनमें कोई ना कोई तो एक आधार ऊंचाई होगा ही, अगर 12 × 14 करेंगे यहाँ पे, आप समझिएगा 12 × जब 14 करेंगे तो 2 6 का 12 और 12 6 72, हमें तो 40 लाना है, ये ऑप्शन क्या आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसे इसको देखिए, 2 का भाग 18 में देंगे, 2 9 18 और 11 9 99, ये क्या 40 आया, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 8 10 दिया है, 8 10 वाले को चेक कर लेते हैं, 8 10 वाले को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, 8 10 वाले को चेक कर लेते हैं, 1/2 आधार 8 × 10 ऐसे कर लेंगे, 2 चौक 8 और 4 2 में कितना आ गया, 40 आ गया कि नहीं आ गया। तो बस यही आंसर आपका हो गया विकल्प नंबर सी। देखिए लगाना नहीं है, बस आपको लॉजिकल है सवाल, आपको सोचना है, बाकी लगाएंगे एक्स एक्स माइनस टू करके इक्वेशन बनाएंगे, काफ़ी लंबा होगा, आपको बस ऐसे ही आंसर आपको चेक कर लेना। और देखिए इसमें चेक करके देखेंगे ना तो 210 आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका मैच ही नहीं करेगा, है ना, 29 नंबर का सी आपका हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, 30 नंबर है, ये लास्ट सवाल है, क्योंकि अभी देखिए कल एक वीडियो और आप करवाएंगे, उसमें भी आपके 15 प्रश्न होंगे टोटल इस बुक में, यूथ कंपटीशन टाइम्स में
45 या 46 प्रश्न आपके दिए थे, ठीक है ना। तो कल एक वीडियो करा देंगे जिसमें से द्विघात समीकरण आपका पूरा हम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का पूरा 3 भागों में करा रहे हैं, 15 15 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ज़्यादा नहीं बड़ा करते हैं ताकि सबको समझ में अच्छे से आ जाए। आराम से पढ़ना, देखो मैथ है, कोई जीके जीएस नहीं है कि आपको फटाफट पढ़ा के खत्म कर दे, समझना है, ठीक है, समझ के करना है। चलो इसको देखिए कैसे लगाना है, लास्ट सवाल है, अच्छा सवाल है, देखिए कैसे लगाना है। लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से, ये देखिए सब ये विधि से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है कि कैसे हम तेजी से लगा सकते हैं। तो देखो हम आपको ट्रिक बताए थे, याद होगा अभी हमने आपको ट्रिक बताया था, हमने कहा था, देखो फिर से बता रहे हैं ट्रिक से, देखिए सवाल इसको ट्रिक से लगाएंगे, आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे लगाना है। देखो ये सवाल हमारा लिखा हुआ था, अभी देखिए जब आप हमारी क्लास से बराबर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी ये चीज़ हमने शुरुआत में बताया था, एक सवाल आया था है ना, तो इसलिए पूरा देखेंगे तभी सीखने को मिलेगा। देखो रीजन क्या होता है, देखो राहुल कह रहे हैं आज क्लास बहुत सही है सर जी, देखो हम आराम से पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब में देखिए वही पढ़ते हैं जिनको मैथ थोड़ा सा कमजोर होगा, बाकी होशियार बच्चे थोड़ा पढ़ेंगे, वो तो अपना खुद ही पढ़ लेते हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि जिनको मैथ नहीं आती है उन्हीं के लिए हमें काम करना है और आराम सिखाना है, जिनको मैथ आती है वो तो फिर यहाँ देखेंगे थोड़ा, वो तो फिर अपना खुद ही लगा लेते हैं इधर उधर से, ठीक है ना। तो चलो हम उनके लिए देखिए काम करेंगे जिन्हें बिल्कुल मैथ नहीं आती है, आराम से पढ़ाएंगे, लाइव क्लास है, हमसे कम्युनिकेट कर भी कर रहे हैं। अब बड़ी कोचिंग में देखो आप पढ़ते होंगे, वहाँ कोई कमेंट का रिप्लाई भी नहीं मिल पाता, क्या पूछ रहे हैं क्या है, इसीलिए आप इसका फायदा आप उठा लीजिए, जब धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे तो फिर कमेंट हमें भी दिक्कत होगी। चलो देखो हमने ट्रिक क्या बताया, मुद्दे पे आते हैं, ट्रिक हमने क्या बताया है, देखो ट्रिक हमने क्या बताया है कि यहाँ पर बताया था एक्स का गुणांक ये लिखा है, और यहाँ पर ये मान लेते हैं द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण मान लेते हैं, लिख देते हैं इसको, द्विघात समीकरण हमारा ये होता है कि नहीं होता, ये होता है, तो ये जो मान होता है इधर एक्स स्क्वायर वाला ए के मान होता है, और ये जो होता है सी का मान होता है, तो हमें फोकस क्या करना है सी अपान ए पे, क्या फोकस करना है सी अपान ए, तो सी अपान ए को फोकस करिए, तो यहाँ पर कितना आएगा 8a/3 ये आपका आएगा। अब देखिए जो भी ऑप्शन होगा उसमें दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 8a/3 आना चाहिए, 8a/3 आना चाहिए। तो अब देखिए पहला वाला ऑप्शन को देखिए आप ध्यान से, माइनस का 4/3 है ए है, और दूसरा है माइनस का 2 है, माइनस माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है कि नहीं होता है, और 4 × 2 करेंगे 8a/3, देखो आ गया कि नहीं आ गया। तो अब इस सवाल को अगर सॉल्व करोगे ना बुक में देखिएगा सॉल्यूशन कितना बड़ा है, सॉल्व करोगे कितना बड़ा, कितना टाइम बर्बाद होगा। तो यही आपको बता रहे थे कि सी अपान ए वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब भी विकल्प में आंसर दो दिए हों, दो आंसर आ रहे हों मूल, ठीक है, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है सी अपान ए, क्या ध्यान देना है सी अपान ए, गुणा करने पर सी अपान ए जिसमें आ गया समझो वही आपका आंसर सही हो गया, ठीक है, तो विकल्प नंबर ए आपका हो जाएगा। देखो बेसिक और ट्रिक दोनों बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक तो समझ गया ना सी अपान ए, चलो बेसिक से भी बता दे रहे हैं, बेसिक वाला देख लो, ठीक है ना, बेसिक वाला भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें बताने में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो देखो ट्रिक वाला समझ गए कि नहीं समझ गए सी अपान ए वाला, चलो बता दे रहे हैं, देखो बेसिक से बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से भी बता दे रहे हैं, देखो बेसिक से कैसे लगाएंगे, देखो इसका आप चाहते स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, चलो हम बेसिक वाला बता रहे हैं। चलो बेसिक वाला देख लो, लास्ट सवाल है, फिर आप लोग भी सोइए आराम से। देखो यहाँ पर पहले हम सवाल को नोट कर देते हैं, 3x², इसमें x से गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, 6x, अब प्लस का कितना आएगा 4ax आएगा, अब प्लस का 8a, ये बात आपको समझ में आ गई, बराबर 0 है, ठीक है, इतना तो आप कर ही देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इनमें कॉमन देखिए क्या है, 3x कॉमन है, तो x प्लस 2 बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए, इनमें कॉमन क्या है, प्लस का क्या कॉमन है 4a, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, बराबर में 0 तो आपका है ये, बराबर में क्या है 0 है, बराबर में 0 लिखा है, ठीक है याद रखिएगा। अब फिर से देखिए इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 आएगा और इधर आएगा 3x प्लस का 4a, अब बराबर 0, अब इसको बराबर 0 करेंगे, एक बार इसको कर लेंगे 0, एक बार करेंगे इसको 0 के बराबर, दोनों करेंगे अलग अलग, तो जब हम x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, जब हम इसको करेंगे 3x बराबर, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4a आ जाएगा,
तो एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस का 4a/3। देखो यही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपने लिखा हुआ है 2x² + 5x + 3 बराबर 0 को हल कीजिए, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। देखिए यहां पर आपको जवाब देना है इसका आंसर क्या होगा 31 नंबर का। चलिए यहां पर देखते हैं कैसे लगाएंगे आप। देखिए 31 नंबर, देखो यहां पर आप बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका आपके पास ये वाला है जो आपके समीकरण दिया गया है, ये तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2x² + 5x और +3 बराबर 0, ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है। ये प्लस का कितना है 3 है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, 3/2 आएगा, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं बेसिक तरीके से तो हम आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है आपको। 3 × 2 = 6 आएगा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, इसको आप ऐसा करिए 6x - का x कर दीजिए, अब +3, ठीक है ना, जोड़े बना लेंगे। तो यहां पर 2x कॉमन ले लेंगे, x + 6 = 6 इस तरीके से नहीं बन पाएगा क्या, इससे नहीं बनेगा। तो आपको फिर देखिए यही पर आप गलती होती है, यहाँ 6x से लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। देखो आंसर सही है, बिल्कुल सही आएगा, हालांकि हमने आपको ट्रिक से कल बताया था कि इन दोनों गुणा करने पर 3/2 आना चाहिए, है ना, 3/2 आना चाहिए, और इन्हीं में आएगा। ऑप्शन से आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पर 3 × 2 = 6 होता है, 6 तो हमारा 5 और 6 और 6 और 1 में घटाते तो भी 5 आना चाहिए, नहीं बन पाया। अब इसको हम ऐसा करेंगे 2x² लिखेंगे, अब प्लस का लिखेंगे कितना 3x, अब प्लस का 2x, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 5, ठीक है। अब इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लेंगे तो कितना आपका आएगा 2x + 3, यहाँ पे कॉमन लेंगे 1, 2x + 3। देखो 6 और 1 में तोड़ेंगे तो फिर आपका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है ना, उसके फैक्टर नहीं बनेंगे। और इस तरीके से x बराबर -1 आएगा, और x यहाँ निकालेंगे बराबर 0, तो -3/2, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ 2 और 3 ही लेंगे तभी आपका लगेगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइए, बिल्कुल सही है। देखिए उसमें क्या होता है ना कि 6 और 1 लेंगे नहीं वो टूटेगा, इसलिए हमें 3 2 लेना पड़ेगा। चलो यहाँ पर 32 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सभी लोग कमेंट करते रहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बताना है इसका, बताइए क्या होगा। द्विघात समीकरण है, सिंपल सवाल है, 32 नंबर का आपको जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहां पर अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो यहां पर 5 3 का कितना होगा 15, 15 को आप तोड़ेंगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। जब ये आएगा नहीं तो इसके लिए आप चाहें तो एक कंडीशन होती है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ए बराबर यहां पर कितना है 3 है, बी बराबर कितना है -1 है, और सी बराबर 5 है। आप चाहें तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, b² - 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 1 है, -4, a 3 और c 5, 5 × 15 = 60, मतलब कितना आएगा -59 आएगा। -59 जो है हमारा 0 से क्या है छोटा है, 0 छोटा है, इसका मतलब इसमें जो आंसर हमारा होगा इनमें से कोई नहीं, इसके कोई भी वास्तविक मूल संभव होंगे नहीं, इसके कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। अगला बताइए, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के योगफल और गुणनफल बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 3x² + 7x, 7 नहीं है माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस का 7x + 2 = 0। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है -7 है, और सी की वैल्यू 2 है। हमने कहा मूलों का योगफल, योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल आप पढ़े हैं -b/a, ये होता है -b/a, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी 7/3। ऑप्शन में देखिए 7/3 है, इसका मतलब यहाँ पर मूलों का योगफल नहीं गुणनफल पूछ रहा होगा। तो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल हमारा होता है c/a, कोई ना कोई एक आंसर जरूर मैच करेगा। c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 3, 2/3 देखिए कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, b नंबर, b नंबर होगा।
देखिए यहां पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आ रहा है आंसर। देखो 7/3 हमने निकाला, जब योगफल नहीं आया तो फिर हमने क्या किया, गुणनफल निकाला, और उससे हमारा आंसर क्या हुआ, मैच कर गया। चलिए क्लियर हो गया, अच्छे से आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 34 नंबर जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा देखिए आपको दिमाग लगाना है हल्का। ये जो x बटे लिखा हुआ है ना, 2x+1, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया जो x बटे 2x+1 है, इसको हमने y के बराबर मान लिया, ठीक है। जब y के बराबर हमने मान लिया है तो इसको आप क्या ले सकते हैं, वाई स्क्वायर अब प्लस का 4x 4y, है ना। इसको हमने y माना है तो 4y होगा अब प्लस का 3 बराबर 0, ये आपका आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 1 3 3 1 4, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस का 3y, इसके गुणनखंड कर लेंगे अब प्लस का वाई अब प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा वाई प्लस 3, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो वाई प्लस 3 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर वाई का मान एक -1 आएगा और एक -3 आएगा, यानी यहाँ पर जो वाई बराबर होगा -1 -3 आएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 रख देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा, -1 रख देते हैं, x बटे 2x+1 इजिकल टू -1, गुणा करेंगे x बराबर आएगा -2x - 1, यानी ये इधर चला जाएगा तो यह आ जाएगा कितना, 3x - 1, तो x बराबर -1/3 आएगा, कितना आएगा -1/3। देखिए एक विकल्प आपका चेक हो गया, अब बाकी पूरा नहीं लगाना है। अनुराधा भी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, नमस्ते जय हिंद। तो देखिए एक ऑप्शन आपका चेक हो गया, बाकी आपको नहीं लगाना है, बस यहीं से आपका आंसर जो होगा क्लियर हो जाएगा, और विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया सभी को, देखिए बहुत ही सिंपल था। इन दोनों को हम क्या करेंगे, वाई के बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है, और यहाँ समीकरण छोटा सा हमारा इस तरीके से बन जाएगा। बनने के बाद इसके हम दो गुणनखंड कर लेंगे, 4y को 3y लिख लेंगे, इस तरीके से आपने गुणनखंड पढ़ा होगा, और इसके दो मान होंगे -1 -3। अब यहाँ पर जब -1 रखेंगे, एक आंसर मैच कर गया, दूसरा वाला 100% -3/7 आएगा, जिसको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही सिंपल है, कुमार राहुल हमारे बीच जुड़ गए हैं। चलिए बिल्कुल सिंपल सवाल था, देखिए देखने में बहुत बड़ा सवाल था लेकिन आपको ऐसे ही लगाना था। देखो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, कैसे लगाते हैं देखिए, 4x² - 64 = 0 है, इसको हम ऐसे करेंगे, 4x², ये इधर जाएगा 64 आएगा, 4 से भाग दे दीजिए, 4 * 1 = 4 और 4 * 7 = 24, x² = 16, तो x बराबर इसका आंसर क्या होगा, इसका रूट ले लेंगे तो +-4 आंसर आना चाहिए। देखो यहाँ पर विकल्प में प्लस दिया गया है, कल भी हमने क्लास में बताया था, इसके इसका अगर विकल्प में आंसर ये वाला दिया होता, मान लो ये भी दिया होता, तो फिर आपको ये वाला टिक करके आना है, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 मान होंगे। जब सवाल हमारा ऐसे लिखा होता है, समझिएगा दोनों में अंतर होता है, जब सवाल ये लिखा होता है, ठीक है ना, जब सवाल ये लिखा होगा तब इसका आंसर केवल क्या होता है, 4 होता है। लेकिन जब सवाल हमारा x² के फॉर्मेट में लिखा होगा, यानी यहाँ पर डिग्री इसकी 2 है और यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, 1 है, जब डायरेक्ट सवाल ऐसे दिया होगा तब 4 आएगा। यहाँ अगर पावर 2 लगा दिया जाएगा तो आंसर 2 बार होगा, +-4। हालांकि विकल्प में देखेंगे केवल यही दिया था, कई बार क्या होता है 2 ऑप्शन देगा, +-4 और 4, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं 4 वाला लगाए आते हैं, जो कि गलत होता है, +- ही लगाना पड़ेगा। अब +- दिया नहीं तो मजबूरी है, कौन सा टिक करके आओगे, 4 वाला +1। चलो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ए की वैल्यू, यहाँ पर क्या जो समीकरण दिया हुआ है, ए की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू होती क्या, x² का कॉफिशियंट, ए बराबर 3 है, अब बी बराबर कितना होगा, 6 + 4a, ये आप लिख लेंगे, और सी बराबर यहाँ पर क्या होगा, 8a। ए बी सी की वैल्यू हमने लिख लिया, यहाँ तक आप सभी लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया है इसका मूल क्या करिए, तो मूल ज्ञात करना, ऐसा करो ये सब अभी तो मूल नहीं ज्ञात कर पाओगे, ऐसा करो इसको छोड़ो, ऐसा करो इसको डायरेक्ट क्या करो, इसको पहले सॉल्व कर लो आप, 3x² है, अब प्लस से गुणा करिए, 6 का गुणा x में करेंगे, 6x आएगा प्लस का 4ax आएगा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं था उसको लिखने से, ऐसे कर लीजिए, इतना आप कर लेंगे, सिंपल है।
अब इसके बाद इनमें से कॉमन लीजिए कितना होगा, 3x, x से प्लस कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें कॉमन ले आएगा प्लस का 4a, दोनों में 4a कॉमन है, यहाँ पर आएगा x प्लस 2। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, इन दोनों ब्रैकेट में वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। जब भी कभी हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं तो ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पर आएगा x प्लस का 2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस का 4a, जीरो तो लिखेंगे ही, एक बार इसके बराबर जीरो कर देंगे, एक बार इसके, जब इसके बराबर जीरो करेंगे ना तो एक्स बराबर माइनस का 2 आएगा। और माइनस का 2 ध्यान से देखिए सिर्फ विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, विकल्प नंबर सिर्फ कहाँ पे दिया हुआ है, ए नंबर पे दिया हुआ है। तो बस दूसरा वाला अब सॉल्व करेंगे ना तो माइनस का कितना आएगा, 4a/3, जो कि ए में लिखा भी है। उम्मीद है समझ गए होंगे। हाँ बिल्कुल सही, ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 kx प्लस 13.5 k इजिकल टू जीरो के पुनरावृत्त मूल है तो के का मान कौन से शर्तों को पूरा करेगा, कौन सा मान इसको पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे निकालेंगे, अच्छा सवाल है। 38 नंबर देखिए कैसे लगाएंगे। देखो यहां पर पुनरावृत्त है ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9/2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9/2 का मतलब भी 4.5 ही होता है। और 13.5 को लिख सकते हैं 27/2, यही के बराबर जीरो, इतना हमने लिख लिया। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि मूल अगर इसके क्या है, मूल तो हमें पता नहीं है, तो अगर इसके मूल अगर बराबर हैं तो ऐसा करो इसमें के और बी ए बी सी ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए की वैल्यू हमारी कितनी 1 है और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 9/2 k, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 27/2 k, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, हम अगर इसको कहें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर निकालते हैं, ठीक है कितना आएगा, बराबर जीरो कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पुनरावृत्त है मूल, तो मूल बराबर जीरो तो लिखा ही है तो जीरो के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर बी की वैल्यू रखिए कितनी आएगी, 9/2 का मतलब होता है 81/4, 81/4 के स्क्वायर आएगा माइनस का 4, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी 1 है और सी की वैल्यू है 27/2 k, तो यहाँ पर लिखेंगे 27/2 k, 2 से 2 काट लेंगे, 2 आएगा यहाँ पे, यानी 27 × 54 k हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 k = 0, यानी यहाँ पे हमारा आप कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 81/4 k² - 54 k = 0, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको और सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपकी k की वैल्यू निकल आएगी, k की वैल्यू निकाल लेंगे आपका आंसर इसमें आ जाएगा। हाँ विकल्प नंबर यहाँ पर 38 नंबर का देखिए आंसर बताइए क्या होगा। देखो तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके 2 आंसर आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसा करो यहाँ पे थोड़ा रफ कर देते हैं, ये तो चीज़ें लिख गई आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, अब इसमें अगर हम के कॉमन ले लेते हैं, जब के कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 81/4 के माइनस का 54 = 0, तो एक तो के बराबर जीरो हो गया, एक के बराबर जीरो हो गया, ये तो कन्फर्म है। और दूसरा मान क्या आएगा, देखिए दूसरा मान निकाल लेते हैं, दूसरा मान हमारा कितना होगा, देखो दूसरा मान हमारा है 81/4 k = 54, ये है आपका 9 × 81 = 54, 3 × 9 = 3 × 2 = 6, 4 × 8/3, 8/3 यानी के की वैल्यू 8/3 भी आएगी, 8/3 जीरो कहाँ पे है, विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए 2 आंसर होंगे ना, यहाँ पर देखिए के अगर हम कॉमन ले लेंगे ना तो एक तो के बराबर जीरो भी संभव होगा और दूसरा मान हमारा होगा के बराबर 8/3। थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन आप समझ लीजिए अच्छे से, इसके 2 आंसर होंगे और विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर। देखिए ये सवाल को हम आपको एक आसान तरीका बता रहे हैं कैसे लगाना है, सवाल आपको दिख रहा होगा, चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर एक्स बराबर दिया गया 1/11, एक्स बराबर माइनस का, हाँ प्रदीप कुमार बिल्कुल, हाँ ओके, 2 उसके आंसर होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे लगाना है, सबसे पहले x बराबर माइनस का 1/9 भी दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ये जो आपका लिखा हुआ है ना x बराबर, इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लिया करो, जो x के बराबर दिया है उसको घटा दिया करो, मतलब 1/11 ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, इसको इसमें भी x में घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, जब इसमें x से घटाएंगे, अब पहले से ही माइनस लगा हुआ है ना, हमने घटाने की बात बोली है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x बटे ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। अब इसी को थोड़ा और सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर लिखेंगे 11x, क्या लिखेंगे 11x माइनस का 1,
अब नीचे वाले 11 से मतलब नहीं है, यहाँ एलसीएम लेंगे ना, गुणा कर लेंगे ऐसे 11x-1, और इधर करेंगे तो कितना आएगा 9x+1, कितना आएगा 9x+1। अब आपको विकल्प देखना है 11x-1 और 9x+1 कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए जब बटे में कोई भी नंबर रहेगा ना वो बराबर 0 में, तो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए आपको बस फोकस यही करना था, जो भी दिया होगा उसको एक्स में घटा लेना है, और यहाँ पर एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस इतना समझिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो प्लस का रहेगा ही बीच में, तो आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया होगा, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण x²-4x+k=0 का एक मूल x=3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए कैसे लगाते हैं ऐसे प्रश्नों को, देखो तो यहाँ पर आपका ये समीकरण दिया गया है, एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे x²-4x+k। ठीक है, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको लेंदी चैप्टर है, काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न रहते हैं, तो आपको भागना नहीं है क्योंकि लेखपाल के सिलेबस में है और ये आपको सब पढ़ना होगा, है ना। चलिए ठीक है, कैसे लगाएंगे। सबसे पहले x=3 है ना, तो यहाँ पर x=3 रख दो इस वाले समीकरण में। जब 3 रखोगे, 3 3 9 और -3 4 12 हो जाएगा ना, अब प्लस का k=0, यहाँ पर आएगा माइनस का 3, तो के बराबर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3, यानी के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। देखिए संयोग है, एक्स की जो वैल्यू थी ना वही हमने के निकाल लिया। अब आप कहेंगे के की वैल्यू को क्या करें, तो करना कुछ नहीं, यही के की वैल्यू अब फिर से इसमें रखो, के की वैल्यू जो है यहीं पे भी रखो, तो x²-4x तो आपका ही है, अब प्लस का 3 कर लो बराबर 0। अब इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा x²-3x-x अब प्लस का 3 = 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x-3 आएगा, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा x-3 = 0। तो x-3 = 0, तो x=1 तो आंसर 3 आएगा, और एक x=1 आएगा, एक x=1। ठीक है, 3 तो क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था, यानी जरूरत किसकी थी हमको x=1 की, जरूरत हमको किसकी थी x=1 की, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही ना, एक बार x-3 दूसरे ब्रैकेट में ऐसे हो जाएगा ना, ये x-3 क्या हो गया, कहाँ पे पहुंच गया, एक सेकेंड, कौन सा नंबर था, हाँ ये x-3 और यहाँ x-1 ऐसे लिखेंगे ना इसको, और बराबर में 0, तो x के दो मान हो गए, ठीक है ना, इसी को ऐसे लिख लेंगे आगे। बात समझ में आ गई सभी को, चलो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बताइए 42 नंबर। 42 नंबर देखिए लिखा हुआ है, यदि 2x²+x-28 0, तो इसका मान क्या होगा। देखिए कैसे लगाना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको वैसे ही लगाना है जैसे सवाल आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से बाकी के से फिर समझा दो इसमें वाला। देखो क्या दिक्कत है, देखो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो x=3 दिया था ना, यहाँ पे रख देना पहले, तो पहले इस समीकरण में x=3 रख देना, तो k की वैल्यू निकाल लोगे, k की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। अब इसी k की वैल्यू पुनः समीकरण में फिर रख देना, ये पुनः समीकरण था, अब इसमें k की वैल्यू हमने यहाँ 3 रख दिया ना ये वाली, देखो फिर इसकी हमने दो फैक्टर कर लिए, 3 1 3, यहाँ पर ऐसे नंबर दो देखना होता है कि जोड़ने पर 4 आए, गुणा करने पर 3 आए, तो 3 1 3 और 3 और 1 4 होता है, फिर दो दो के जोड़े ले लेंगे ना, तो एक्स माइनस यहाँ पर एक्स कामन ले लेंगे इनमें, इन दोनों में ले लेंगे, तो माइनस का 1 कुछ कामन ही नहीं है ना इसमें से, तो -1 कामन ले लेंगे, तो दो इस तरीके से बन जाएंगे, और इसके बाद यही कामन है बराबर 0, तो एक्स के दो मान लेंगे 3 और 1, तो 3 तो क्वेश्चन में पहले ही दिया था, तो दूसरा वाला वैल्यू क्या होगी x=1, ठीक है ना, इस तरीके से लगाना था। आगे बताइए 42 नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है, 42 नंबर कैसे आपको लगाना है, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जो भी सवाल लिखा हुआ है इसको पहले अच्छे समझ लीजिए, इसको पहले हम ऐसा करते हैं ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, ब्रेक कर लेते हैं तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। देखिए कैसे लगाएंगे, यहां पर देखिए आपका दिखा हुआ है पूरा सवाल, आपको दिख ही रहा है अच्छे से। देखिए इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 2x²+8x-7x, क्योंकि ये जो आपका समीकरण दिया गया है यहां पे लिख दे रहे हैं 2x²+x-28, तो अगर इसका कॉफी सेंट में कोई वैल्यू दी गई है ना, इसको गुणा करते हैं 56, 56 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि यह अंतर जो डिफरेंस आए वो 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर 56 आना चाहिए, तो 8 में 7 घटा देंगे तो 1 1 समय प्राप्त भी हो जाएगा, और 8 × 7 करेंगे 56 भी प्राप्त हमारा हो जाएगा। इस तरीके से ब्रेक किया जाता है, और ये क्या होगा 0 के बराबर। अब इसमें दो दो के जोड़े बनाते हैं, वो तो आप सब पढ़े ही होंगे, ये देखिए ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे ना, तो अंदर क्या आएगा x+4। देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा शॉर्टकट आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनमें बेसिक से लगाओगे
तो जल्दी सही रहता है, नहीं तभी भूल जाते हैं परीक्षा के टाइम पे। कितना ट्रिक पढ़ोगे? देखो तो एक्स प्लस फोर है और टू एक्स माइनस सेवन, ये चीज है आपकी आगे। तो इसमें का इसका मतलब यहां पर देखो, जब भी कभी इस टाइप का सवाल हो हम आपको लॉजिक ट्रिक बता रहे हैं। यहां पर देखिए एक्स को सॉल्व करेंगे चार आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं 7/2 तो आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? तो 4 7/2 यहां पर सॉल्व करेंगे माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस का 4 और यहां पर आएगा 7/2। -4 7/2 दोनों को आपको शामिल करना है, और दोनों कहां पर लिखे हुए हैं? विकल्प नंबर बी पे। जब भी सवाल आपका इस टाइप से फंस जाए एग्जाम में, यहां पर मान लो एक्स प्लस 4 है बराबर करेंगे 0 के, यहां बराबर नहीं है लेकिन हम मान के चलेंगे, तो एक्स बराबर 1 तो -4 आएगा, इसको करेंगे 2x-7। अभी साइन को मत देखिए कि इस ग्रेटर देन लेस देन क्या लिखा है, लेकिन आपको दोनों आंसर लिखना होगा 4 और 7/2, तो इसी में केवल आ रहा है। और बाकी ए और सी गलती से भी मत सोचिएगा कि हो जाएगा, दोनों आंसर होते हैं याद रखिएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें दो ही मान तो पॉसिबल होंगे। एक्स के कितने मान आएंगे? दो। एक्स का मान एक ये वाला, एक ये वाला है, एक मान तो है नहीं, ये मान दो हैं, ये तो पहले ही कभी भी हो ही नहीं सकते थे। इसमें दो मान आपके दिए गए हैं लेकिन ये होगा नहीं, होगा कौन सा? बी वाला। क्लियर हो गया ना? बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बताइए, यहां पर देखिए लिखा हुआ है 43 नंबर, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है, 2x² + 7x - 4 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तब वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। देखो यहां पर मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया गया है, तो हमें सबसे पहले हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना सिखाया है। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता क्या है, देखो इस तरीके से लिखा जाता है x², ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, x² - मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये आपका स्टैंडर्ड समीकरण होता है। ये तब होता है जब हमारे मूल अल्फा और बीटा होते हैं, तो ये समीकरण आपको समीकरण का जो लिखने का तरीका होता है इसी फॉर्मेट से लिखा जाता है। और हम मूलों का योगफल निकाल लेते हैं अल्फा और बीटा, इसके बाद मूलों गुणनफल निकाल लेते हैं और इसमें रख देते हैं, आपका समीकरण बन जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मूल अल्फा बीटा ना कह के कह रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो इसके रेस्पेक्ट में आपका समीकरण समझते हैं ना क्या बनेगा, इसके रेस्पेक्ट में आपका समीकरण क्या बनेगा, यहां पर मूलों का योगफल करेंगे, क्या करेंगे? मूलों का योगफल करेंगे, तो मूलों का योगफल कितना आपका आएगा, मूलों का योगफल, तो यहां पर मूलों का योगफल कितना आपका हो जाएगा, यहां पे मूलों का योगफल स्क्वायर में करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहां पे ये यह है कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा ना हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, ये कहने का मतलब हमारा है। और यहां पे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो कुल मिला के हमें इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब इसके मूल स्क्वायर में होंगे ना, तो यहां पर स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है। देखो पहले चीजों को समझ लीजिए, जब भी समीकरण हमें लिखना होता है मूल अल्फा बीटा होते हैं, तो ये आपका समीकरण जो बुक में है स्क्वायर लगा देगा ना, तो यहाँ इस फॉर्मेट में आपका हो जाएगा, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में आपका हो जाएगा दूसरा वाला। ये चीज आप समझ गए, अब इसको हम रब कर दे रहे हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पे लिखा जा सकता है। चलिए अब अगला चीज समझाते हैं कैसे करना है, ये चीज आपको समझाना चाह रहे थे, समझ गए होंगे। यहाँ पर जिसके मूल अल्फा स्क्वायर लगा दिया, इसलिए स्क्वायर वाला हमें केस लेना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस देखो सबसे पहले यहाँ पर हम स्क्वायर तभी पहुंचेंगे, पहले अल्फा बीटा तो पता होना चाहिए। इसमें देखो ए की वैल्यू क्या है समीकरण में, 2 है, बी की वैल्यू क्या है 7 है, सी की वैल्यू क्या है -4। जब एग्जाम में आपको लगाना है तो ये सब लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। पेपर में आपको ऐसे समझना है, ए ये है, बी ये और सी ये, ठीक है, ये सब लिखना नहीं है, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। अगर हम कहें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा मूलों का योगफल, तो माइनस का बी अपान होता है ना, तो माइनस यहां पर लगा देंगे 7/2, ये आपका आ जाएंगे। हमने कहा मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो आपने कहा मूलों का गुणनफल सी अपाने होता है, तो सी अपाने यानी -4/2 यानी -2 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा। अब हमने अभी आपको समीकरण बताया था कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमको चाहिए, तो अब हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर निकालना है। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि इसी को हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें स्क्वायर कर दें, तो फार्मूला कहीं ना कहीं आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक चीज़ इसका भी फार्मूला एक आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब हमको ये वाला चाहिए होता है, तो ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा है, तो 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 49/2, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा 49/4 कितना आएगा 4 49/4 माइनस 2 अल्फा बीटा है, तो 2 रखेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 2,
तो यहां पर आपका आ जाएगा 49/4 माइनस का 4, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा, सॉरी यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 49 और 16 कितना होता है, एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा, तो 49 और 16 आपका कितना होता है, 49 16 जोड़ेंगे ना तो 65 आएगा, 65/4। अच्छा बताइए 65/4 हमने क्या है, ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये हमारा क्या निकल के आया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब आप ये समझ लीजिए 65 वाले में आंसर वाला सही होगा, 65 जो सभी में दिया गया है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने निकाल लिया 65/4, इस वैल्यू को आप याद रखिएगा। अगर हम आपसे कहें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे अल्फा बीटा इसका स्क्वायर कर देंगे ना 4 आ जाएगा बस। ठीक है, दो चीजें आपको जरूरत थी, हमने क्या बताया था, एक ये वाला और आपका जो हमने ये निकाला ये, ठीक है ना, ये दो आपको जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण जब हम लिखेंगे स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट में, तो आपकी ये दोनों चीजें हमने आपसे कहा जरूरत पड़ेगी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हम समीकरण को लिख देते हैं, ठीक है ना, अब हम समीकरण को क्या करते हैं, लिख देते हैं, बाकी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, बाकी चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम समीकरण को लिख देते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। समीकरण अभी हमने बताया था एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताया था ना अभी हमने आपको, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 0, इस तरीके से लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 65/4 है, यहाँ पे एक्स लग जाएगा माइनस का, यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 4, ठीक है, ये हमारा आ गया, और बराबर में क्या लिखेंगे, 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4x² एलसीएम ले लेंगे ना, तो कितना आएगा, 4x² माइनस का 65x और माइनस का कितना आएगा, 16 बराबर 0, कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये आएगा, देखिए सॉल्व करना आप पेपर में करेंगे बहुत ही जल्दी कर लेंगे, आपको समझा रहे हैं, तो इसलिए है ना, अच्छा प्लस का होता है, यहाँ पर प्लस में आया था ना, गलती नहीं करिएगा, प्लस में होता है, क्योंकि फार्मूला जो अभी हमने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स, अब प्लस होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये होता है ना फार्मूला, तो इसकी वैल्यू रखेंगे ना तो प्लस ही में तो रखेंगे ना, 4 आया था तो प्लस का हो जाएगा, यार ये वाला ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर सी होगा, विकल्प नंबर सी होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर ए नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में प्लस होता है ना, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने निकाला था, तो वहां पर कितना आपका आया था, 4 आया था, ठीक है ना, तो यहां पर सी होगा, सी राइट आंसर होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर देखिए, लिखा हुआ 2x² माइनस का 9x माइनस का 18, इस तरीके से दिया गया है, तो इसको भी देखिए हम बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं, कैसे लगाना है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थोड़ा बहुत, तो आपको सवाल भी इसमें काफी समझने वाली चीजें होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा समझते रहेंगे समझ जाएंगे। देखिए 2x² लिखा हुआ है, माइनस का 9x है और कितना है, माइनस का 18 है, ठीक है, इसको भी देखिए हम ब्रेक कर लेते हैं, 2x² इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो आपका कितना आएगा, माइनस का 12x प्लस का 3x, 12 में 3 घटाएंगे ना तो 9 आएगा, 12 3 36, सही है, दो दो सेट कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस कितना आएगा, 6, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6, फिर x माइनस 6 दोनों में कॉमन ले लेंगे, और यहाँ आएगा 2x+3, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर दो मान होंगे, एक तो 6 होगा, एक इसको करेंगे ना, ये तो प्लस का 6 तो बताएगा ही, और यहाँ पर कितना आंसर आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा, तो 6 और माइनस का 3/2 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा बस, विकल्प नंबर बी। अभी हमने आपको बताया था जब ये बराबर मान लो 0 करेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ x की वैल्यू माइनस का 3/2 आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, तो 6 और -3/2 कहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके दो आंसर होंगे, तो दो आंसर कहाँ पे, विकल्प नंबर बी, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए सेशन थोड़ा सा आपका टफ है ना, आते हैं लोग चले जाते हैं, आज के क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल है हल्के, तो उनको नहीं समझ में आया होगा, या हो सकता है बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, देखिए हमें तो सारे क्वेश्चन कराने हैं, अब तो द्विघात समीकरण में भी ऐसे प्रश्न हैं, अब इसमें हम शॉर्टकट क्या बता दें, कोई शॉर्टकट हो तो बता दें, है ना, इसमें सारे सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होते हैं, तो पढ़ाना सब रहेगा, चलो कोई बात नहीं है, आना जाना लगा रहता है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, इतना आप समझ लीजिए। चलो यहाँ पर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अब इसमें छोटी चीज़ें हम क्या करें, ये तो सवाल हटा के छोटे छोटे कराएं, तो उससे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना, सब सब लोग चाह रहे हैं आसान पढ़ने को मिले, देखो ऐसे प्रश्नों का आपको क्या करना है, ये जो लिखा है ना 6x और या 8-x,
बाकी आप मत पढ़िए क्या लिखा है, इसको बराबर जीरो कर लीजिएगा। 6 माइनस x बराबर जीरो कर लेंगे ना, तो x बराबर कितना आएगा, 6। ये जो 8 माइनस x लिखा हुआ है इसको कर लीजिएगा जीरो, तो x बराबर 8। इसके दो आंसर होंगे, ये तो ये होगा तो ये। विकल्प देखिए, विकल्प में 6 होगा या तो 8 होगा, ये तो दोनों होंगे, एक ही एक आंसर दे रहा है ना, तो विकल्प नंबर ए लगा देंगे। ये तो 6 देगा या तो 8 देगा, ठीक है। अब सवाल बड़े बड़े हैं, द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं, एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं, तो इसमें सवाल तो थोड़े से आपको समझने वाली चीजें हैं, है ना। ध्यान समझेंगे लगातार तो समझ पाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे ना तो फिर समझ ही नहीं पाएंगे। चलो क्लियर हो गया, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर 2-3 सवाल बचे हुए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। x² - x - 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखो अभी हमने आपको बताया था समीकरण आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो। अब इसके मूल हमारे ये दिए गए हैं, है ना, मूल हमारे दिए गए हैं। पहले तो समीकरण बनाना आना चाहिए, समीकरण बनाना आपको आना चाहिए। समीकरण हमारा लिखा क्या है, ये लिखा है इसमें। अच्छा बताइए इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 1। हम कहेंगे बी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे -1। हम कहेंगे सी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे -1। ये आप तो कह ही देंगे, ए बी सी की वैल्यू हमने कंपेयर कर लिया ax² + bx + c से, ठीक है। अब हम आपसे कहेंगे कि मूलों का योगफल बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो आप कहेंगे माइनस का बी अपान ए होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। मूलों गुणनफल कहेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सी अपान ए होता है, तो -1 आएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है, अल्फा ये पूछा गया है। अच्छा इसका स्टैंडर्ड अगर हम समीकरण बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, इसका समीकरण हमारा ये बनेगा x² मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा, ये दोनों मूल हैं। मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों गुणनफल तो हमारे अल्फा अपन बीटा, बीटा अपन अल्फा हो जाएगा, बराबर 0। ये होता है, ये आपका समीकरण होता है। अब ये तो कट ही जाएगा, तो कुल मिला के हमारा लिखने को क्या आएगा, x². अब इसमें भी थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा α² + β² और बटे में आएगा अल्फा बीटा, यहाँ पर तो एक्स रहेगा ही, है ना, यहाँ पर तो एक्स रहेगा ही। अब प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 1 = 0, ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक है आपका, ये आपका बन जाएगा। तो कुल मिला के हमें α² β² चाहिए, तो α² β² तो आप निकाल ही सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। देखो α² + β² का भी हमने एक फार्मूला बताया था, आपको याद होगा हमने बताया था α + β² और माइनस का बताया था 2α β, ये फार्मूला बताया था आपको। इसे डायरेक्ट निकालिए, α + β 1 1 आएगा, -2 α β की वैल्यू -1, तो यहाँ पर 2 एकम 2 यानी प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है ना, प्लस का 2 और 1 यानी 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, बराबर 3। कुल मिला के यहाँ पर 3 रखिए। आप समीकरण देखिए, आपको जो दिया गया था x², यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे ना, तो 3 आएगा बटे में, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है, यहाँ आप -1 रखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे रख लेंगे इंटू एक्स, अब प्लस का 1 = 0, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² + 3x और कितना होगा, प्लस का 1, है ना, प्लस का क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए, अच्छा अल्फा बीटा था, अच्छा अल्फा बीटा सही तो है, अल्फा पन बीटा, बीटा पन अल्फा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आंसर बताइए इसका क्या होगा, चलिए यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर आपका होना चाहिए कौन सा, x² + 3x + 1, डी होना चाहिए, है ना, डी होगा, देख लीजिए। हाँ डी होगा ना, डी नंबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है यहां पर आपको जवाब देना आंसर क्या होगा, यदि 12x² - ax + 7 = ax² + 9x + 3 का केवल एक ही पुनरावृत्त समाधान है, तो a का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा। चलिए देखो इसको कैसे लगाएंगे, 47 नंबर देखिए,
कैसे आपको लगाना है। देखो तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 12x² माइनस का ax है प्लस का 7, ठीक है ना। और इसको भी इधर ही ले आते हैं, माइनस का ax² माइनस का 9x है माइनस का 3 बराबर 0, ये आप कर लेते हैं, ठीक है। अब आप बताइए इसको हम क्या करें। ऐसा करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, इसमें कॉमन ले लो, कितना है x² कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 12 माइनस का a, और यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 प्लस a बचेगा, कितना 9 प्लस a प्लस 9 या 9 प्लस a, देखो तो माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 9x गुणा करेंगे ना, माइनस का 9x और यहां पर आएगा माइनस का ax, सही तो है, ax² माइनस का 9x, x ले लेंगे कॉमन, तो यहां पर कितना आएगा, ax कॉमन ले लेंगे तो x तो यहां पे बचेगा ही, और सही तो है। ठीक है, ये इसके साथ कॉमन लिया है ना, ये इसके साथ है, ये इसके साथ था, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर कितना आएगा, प्लस का 4 बराबर 0, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसको द्विघात समीकरण हमने बना लिया है, ये द्विघात समीकरण क्या है, क्या किया हमने, बना लिया। अब द्विघात समीकरण बन गया ना ये हमारा, तो अब देखिए यहां पर ए की वैल्यू होती है x² का गुणांक, यानी ए की वैल्यू है 12 माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर आपकी हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर माइनस का 9 प्लस ए हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी है, यहां पर 4 है, ठीक है ना। तो पूछा गया ए का पूछा गया है ना, तो ये आप इसको ऐसा करो, ए का पूछा गया, अच्छा इसको ऐसा करो, ऑप्शंस लगा लो, इसको ऑप्शंस लगा लो, जल्दी लग जाएगा, क्योंकि ए का पूर्ण सकारात्मक समाधान पूछा गया कितना होगा, तो x² और ब्रैकेट में 12 माइनस ए इस तरीके से आपको दिया गया है, तो a की वैल्यू हमें पता है 12 माइनस ए, और यहाँ पर a, तो पूछा गया a का सकारात्मक मान कितना होगा, तो 12 माइनस ए बराबर 12 तो दिया नहीं गया है ना, तो यहाँ पर अगर हम 12 माइनस ए बराबर कर लेते हैं, इससे भी काम नहीं बनेगा, 3 अगर लेते हैं यहाँ पर बोला पुनरावृत्ति का मतलब होता है इसकी कंडीशन हो जाएगी, रुको एक सेकेंड, इसी कंडीशन हमारी कितनी हो जाएगी, इसी कंडीशन हमारी हो जाती है b² बराबर 4ac, ये होती है कंडीशन। अब इसमें आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा रखें, चलो इसमें ऑप्शन ले लेते हैं, मान लो अगर a का मान ले लेते हैं कितना, 3 कितना आएगा, 3 और यहाँ पर रखेंगे 4, 3 रख के देखिए, अगर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 चौको 12c और b रखेंगे तो 9 प्लस ए, चलो इसको देख लेना थोड़ा सा, इसमें कुछ और इसका और शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है ना, इसका और शॉर्टकट बताएंगे, थोड़ा सा ये सवाल लेंदी हो रहा है, ऐसे लगाएंगे लगेगा नहीं, इसको छोड़ दो, बाद में बता देंगे, अगले अगली क्लास में बता देंगे इसको। चलो 48 नंबर देखिए, इसको हम और अच्छा बताएंगे तरीके से कैसे लगाना है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी सवाल हो रहा है, बड़ा सवाल हो रहा है, बड़ा सवाल आपको पेपर में नहीं लगाना है, इसका हम शॉर्टकट मेथड बताएंगे आपको कैसे लगाना है, तो इसको बाद में हम देख के बताएंगे अच्छे से। के का मान याद करिए जिसके लिए द्विघात समीकरण दिया गया है आपका, और इसके क्या मूल क्या समान है, देखो कैसे लगाएंगे, इसके मूल समान है, ठीक है, मूल समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, 4x² 4√3 x प्लस का k बराबर 0, ये आपका दिया गया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मूल अगर समान है तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, b² माइनस का 4ac बराबर 0, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4√3 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, 4√3 का स्क्वायर कर देंगे ऐसे, माइनस 4, ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है और सी की वैल्यू यहाँ पर के बराबर 0, तो 4 चौको 16 3 का कितना आएगा, 48 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 4 चौको 16 k बराबर 0, तो 16 k बराबर 48, तो के बराबर कितना आएगा, 3, के बराबर 3 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर बी, यानी 48 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 49 लास्ट सवाल है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से x बराबर 2 है, तो दूसरा मूल कितना होगा, देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, x बराबर 2 यहाँ पे रख लेना है, x² माइनस का 6x प्लस का k बराबर 0,
जब एक्स बराबर दो रखेंगे ना तो यहाँ पर आएगा 4 - 2 6 का 12, अब प्लस का के बराबर 0, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 8, यानी के बराबर आपका आ जाएगा 8। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, के की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब इसी के की वैल्यू को फिर से आप पुनः रखेंगे, पुनः फिर से रखेंगे समीकरण में, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 = 0, ये आपका समीकरण आपका बन जाएगा, ठीक है, ये आपका समीकरण बन जाएगा आपका ये। अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 8 चाहिए, 4 2 6, हाँ बन जाएगा, माइनस का 4x है, माइनस का 2x है, और प्लस का 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक्स एक्स माइनस 4 आएगा, यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 आएगा, फिर से पुनः हमारा कॉमन होगा एक्स माइनस 4, और यहाँ पर आएगा एक्स माइनस 2, यानी एक्स के मान 4 भी होगा, एक्स का मान 2 भी होगा, 4 2 देखिए 4 वाला लगा देंगे, 2 दिया ही नहीं है, तो विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इस तरीके से आपको लगाना था। चलिए आज आपके द्विघात समीकरण पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, ज़्यादा हालांकि कठिन पेपर में इतना नहीं आएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि के का मान कैसे निकालना है, दूसरा मूल कैसे निकालना है, कैसे फॉर्मेट पूछेगा, ये थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं, आप समझ लेंगे तो एग्जाम में फिर आपके लिए आसानी रहेगी, है ना। चलो यहीं तो रखते हैं, क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है, कल देखिए कल नया कोई चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, बस इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा, जहाँ चीज़ें ना पूछ लीजिएगा बाद में बता देंगे, बाकी थोड़ी चीज़ें इसको समझ लिया होगा कि कैसे द्विघात समीकरण में के की वैल्यू निकालते हैं एक्स में, यही थोड़ी चीज़ें आपकी थी। चलिए फिर यहीं से क्लास को इंड करते हैं, फिर अगली क्लास में कल मिलेंगे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, देखिए बराबर अभी क्लास में बने रहे, अभी भी शायद हैं क्लास में, चलिए यहीं तक क्लास को देखते हैं इंड, फिर कल मिलेंगे, ठीक है, कोई डाउट हो ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा बाद में।